बेकार की बातें, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारी इन रोमांटिक भरी बातों से। सच तो ये है कि मुझे तुम्हारी बातें खुशी नहीं बल्कि इरिटेट करती हैं। निशा ने गुस्से में रोहित से चिल्लाते हुए कहा, जिस वजह से पार्टी में मौजूद हर कोई उन दोनों की तरफ देखने लगा। तभी निशा के पास ध्रुव आकर भी खड़ा हो गया, जो उनकी क्लास का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का था, पर उसने रोहित के सामने ही निशा का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों को एक साथ देखकर रोहित काफी इमोशनल हो गया और उसके जहन में जितने भी सवाल चल रहे थे उसने वो एक ही सांस में निशा से पूछ लिए। ये तुम्हें क्या हो गया है निशा? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और ये ध्रुव तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? जानती हो ना कितना घटिया लड़का है ये और कितनी गंदी सोच रखता है लड़कियों को लेकर। रोहित के सवाल पर ध्रुव ने और भी ज्यादा कसकर निशा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचा। उसके बाद उसने अपना एक हाथ निशा की कमर पर रखा और रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। निशा ने भी रोहित को दिखाकर ध्रुव के हाथ पर किस किया और मुस्कुराने लगी। मैं तुम्हारे साथ इसीलिए थी क्योंकि अभी तक कॉलेज के सबसे रिच लड़कों में से एक थे तुम, नहीं तो मैंने सिर्फ ध्रुव से ही प्यार किया है। अब जब तुम्हारे पापा का बिजनेस में लॉस हो चुका है और अब तुम लोग सड़क पर आ गए हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए। तुम बहुत बोरिंग टाइप के लड़के हो रोहित, इसीलिए जाओ पहले लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, उसके बाद किसी लड़की को पटाना। तो क्या जो पिछले एक साल से तुम मेरे साथ घूम रही थी, फिर रही थी और मेरे साथ मेरी फैमिली से मिलकर आई थी, तो क्या वो सब एक दिखावा था? हाँ, दिखावा ही था वो सब। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करने के कुछ टाइम बाद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, उसके बाद तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी तो मुझे मिल ही जाएगी, फिर उस प्रॉपर्टी पर मैं और ध्रुव सारी जिंदगी ऐश करेंगे। लेकिन मेरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और तुम तो सड़क पर आ गए, इसीलिए अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। रोहित का दिल टूट चुका था और पार्टी में मौजूद हर कोई उसका मजाक बना रहा था। उसके सामने ही निशा ने ध्रुव को कस कर गले से लगा लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। आसपास मौजूद सभी लड़के लड़कियां उन दोनों को देखकर तालियां बजाने लगे। उसके बाद रोहित वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाया और पार्टी हॉल से निकलकर आगे बढ़ने लगा। रात के 9 बज रहे थे और बाहर काफी तेज बारिश भी हो रही थी। खुद में ही खोया हुआ रोहित आगे चलता ही जा रहा था। उसके दिमाग में फिलहाल युविका की आवाज गूंज रही थी, इसीलिए उसको पता ही नहीं चला कि कब वो कहां से दूर जंगल में पहुंच चुका है। फिर वो समुद्र के किनारे बैठ गया और समुद्र के पानी की तरफ देखकर बातें करने लगा। हे ऊपर वाले, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया और क्यों मेरा मजाक सबके सामने भरवाया? अब मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे अपने पास बुला ले ऊपर वाले, या फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरी लाइफ बोरिंग ना होकर इंटरेस्टिंग हो जाए। कुछ कर ऊपर वाले और मुझे यहाँ से दूर भेज दे, जहाँ पर मेरा कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट ना हो। रोहित आसमान की तरफ देखकर लगातार बातें कर रहा था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। वो इस वक्त बातें करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि समुद्र की लहरों का बहाव तेज होता जा रहा है और वो पानी के अंदर समाता ही चला जा रहा है। कुछ ही देर में अचानक ही एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर आई और रोहित को बहाकर अपने साथ ही समुद्र की गहराई में ले गई। जब तक रोहित को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो जोर से चिल्लाया। अचानक ही समुद्र के पानी में एक तेज रोशनी उठी और देखते ही देखते रोहित लहरों में पूरी तरह से समा गया। लेकिन रोहित का सफर यहाँ से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ से हुई थी उसके एक नए और अनोखे सफर की शुरुआत। ठीक उसी वक्त बिल्कुल ऐसी रोशनी बहते हुए पानी के किनारे से बाहर आई और देखते ही देखते उस बहते हुए पानी के किनारे पर बने हुए एक खूबसूरत से घर के अंदर समा गई। ये मैं कौन सी जगह पर हूँ? देखने में तो ये कोई घर लगता है, लेकिन काफी अलग तरीके का बना हुआ घर। एक लड़का अपने नर्म बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने आसपास कमरे की हर एक चीज को काफी ध्यान से देख रहा था। देखने में वो लड़का सिर्फ 20 से 22 साल का रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। वो लड़का उठने की कोशिश करने लगा और खुद से ही कई सवाल करने लगा। ये मैं कहाँ पहुँच गया? मैं तो समुद्र के किनारे बैठा हुआ ऊपर वाले से बातें कर रहा था। लगता है ऊपर वाले ने मुझे वही पानी में ही टपका डाला और सीधा अपने पास बुला लिया। वाह रे मेरी फूटी किस्मत, आज तक तो ऊपर वाले ने कुछ सुना नहीं, आज जब थोड़ा इमोशनल होकर इमोशनल बातें क्या कर डाली तो ऊपर वाले ने इतनी जल्दी सुन लिया। उसके बाद वो पूरी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ कि तभी उसकी नजर सामने लगे हुए एक बड़े से आईने पर चली गई। जैसे ही उसने आईने को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तेजी से दौड़कर उस आईने के पास गया और उसमें दिखाई दे रहे अपने चेहरे के साथ खड़ा हुआ कि तभी उसकी नजर सामने लगे हुए एक बड़े से आईने पर चली गई। जैसे ही उसने आईने को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तेजी से दौड़कर उस आईने के पास गया और उसमें दिखाई दे रहे अपने चेहरे को ध्यान से देखते हुए खुद से सवाल करने लगा। मैं तो रोहित हूं ना, लेकिन मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ और ये मेरी जगह आईने में कौन दिखाई दे रहा है? इसका फेस तो बहुत अट्रैक्टिव है और इसके भूरे बाल उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव। सच में ये जो कोई भी है हद से ज्यादा हैंडसम है, जिसे देखकर कोई भी लड़की फिदा हो जाए।
लेकिन मैं इसकी बॉडी में कैसे हूँ? क्या मेरी स्पिरिट इस हैंडसम लड़के के शरीर में आ चुकी है? लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम में ये कैसे पॉसिबल है कि किसी की स्पिरिट किसी और की बॉडी में समा जाए? दरअसल ये रोहित की आत्मा थी जो उस वक्त किसी और की बॉडी में थी। रोहित ने जैसे ही खुद को आईने में देखा तो वो इतना तो समझ ही गया था कि अब उसकी स्पिरिट किसी और की बॉडी में है। इसीलिए उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। तभी रोहित अपने मन में चलने वाले सवालों से जूझ ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने पास टेबल पर रखे हुए एक फोटो फ्रेम पर चली गई जिसमें इस हैंडसम लड़के की तस्वीर लगी हुई। तुषार चिल्लाने लगा। वो वापस उसी नंबर पर फोन कर रहा था पर फोन नॉट रीचेबल था। विक्रांत ने रावत को उस लड़के की तस्वीर लगी हुई थी और जिसकी बॉडी में फिलहाल रोहित की स्पिरिट थी। उस फ्रेम को देखने के लिए रोहित टेबल के पास गया और उस फ्रेम को उठाकर देखने लगा। उसके बाद रोहित ने फ्रेम के नीचे लिखे हुए नाम को पढ़ा और खुद से ही बातें करने लगा। ओह, तो जिस हैंडसम लड़के की बॉडी में मेरी स्पिरिट है उसका नाम व्योम है। तो इसका मतलब मैं जिस नई दुनिया में आया हूँ उसमें मुझे व्योम बनकर जीना होगा। आज से मेरी पहचान व्योम के नाम से होगी। ठीक उसी पल काफी तेज बिजली चमकी और तेज हवाएं चलने लगी। अचानक ही मौसम बदल गया और पास बहते हुए पानी की लहरें काफी ऊंचाई तक जाने लगी। वही रोहित यानी कि व्योम अब उस कमरे को काफी ध्यान से देखने लगा जिसकी हर एक चीज काफी सलीके से रखी हुई थी। यहाँ कितना अलग है सब कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बहुत सोच समझ कर सजाया गया हो। देखने में साफ पता चलता है कि ये किसी खानदानी रईस का कमरा होगा। तो इसका मतलब आज से वो रईसों वाली लग्जरी लाइफ में जीऊंगा। व्योम का मन इस वक्त सवालों से भरा हुआ था और कुछ सवाल तो उसे काफी एक्साइटेड भी कर रहे थे। फिर उसका ध्यान अपने खुद के पहने हुए कपड़ों पर गया जो देखने में चाहे अलग तरह के थे लेकिन काफी सुंदर थे। अब व्योम के दिमाग में कुछ और ही सवाल चलने लगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई और वो ये कि इतना हेल्दी और डैशिंग लड़के की अचानक ही डेथ कैसे हो गई? कुछ तो ऐसी वजह रही होगी इस असली व्योम की मौत की। व्योम खुद से बातें ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर पास ही रखी हुई एक खाली कांच की बोतल पर गई। व्योम ने झट से उस बोतल को उठा लिया और चेक करने लगा। उसमें बोतल को स्मेल किया और काफी देर तक फील करता रहा। कहीं इस लड़के को जहर पिलाकर तो नहीं मारा गया? यहाँ पर ड्रिंक के ग्लासेस भी रखे हैं। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है। लेकिन देखने में तो ये काफी अच्छे घर का लगता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? खुद से ही सवाल करते हुए व्योम ने कमरे को अच्छी तरह से देख लिया और फिर तभी उसके कानों में एक औरत की आवाज आई। आप ठीक हैं यंग मास्टर? मुझे तो लगा था कि कभी आपको कुछ हो ना गया हो। आपको नहीं पता कि आपके शरीर का जहर काटने के लिए मैं कितने दूर से ये दवाई लेकर आई हूँ। व्योम के सामने इस वक्त अधेड़ उम्र की औरत खड़ी हुई थी जिसने पीले रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को फोल्ड करके एक ऊंचा बन बनाया हुआ था और साथ ही उसके कंधे पर एक लंबी दुपट्टे जैसी पट्टी लटक रही थी। व्योम ने उसे देखा तो मन में सोचने लगा, ये औरत मुझे यंग मास्टर कहकर बुला रही है, तो क्या ये व्योम की नौकरानी हो सकती है? उसके बाद व्योम ने उस औरत से कहा, मैंने ऑलरेडी ये दवाई पी ली है, अब मुझ पर जहर का कोई असर नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, लेकिन तुम कौन हो और मुझे यंग मास्टर कहकर क्यों बुला रही हो? व्योम का सवाल सुनकर वो औरत उसे शक भरी निगाहों से देखने लगी। कौन हो तुम? हमारे यंग मास्टर तो नहीं हो सकते। सच सच बताओ, कोई बहरूपिया हो क्या जिसने महिमा को नहीं पहचाना? आखिर कौन है ये महिमा? क्या पकड़ा जाएगा रोहित? कौन है ये व्योम और क्या है इसकी कहानी? महिमा व्योम की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी और व्योम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे। उसके दिल की धड़कनें तेज चलने लगी और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे अब वो फंस चुका हो। तभी महिमा ने एक बार फिर से पूछा, तुम बताते क्यों नहीं? चुपचाप क्यों खड़े हो? बताओ कौन हो तुम? मेरी यंग मास्टर तो नहीं हो सकते। अब अचानक ही व्योम मुस्कुराने लगा और फिर उसने जवाब दिया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसे उल्टे सीधे सवाल कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वो दरअसल मेरा थोड़ा सर चकरा रहा था जिस वजह से मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों जब भी कुछ पिछली बातें याद करने की कोशिश करता हूँ तो चक्कर आने लगता है, तो बस इस वजह से ये सब बोल बैठा। महिमा की बातों से व्योम काफी हद तक उसको जान चुका था, इसीलिए उसने इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि महिमा का शक जल्दी ही दूर हो गया। अब महिमा भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। इसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि ये जरूर व्योम की नौकरानी है, लेकिन कहीं से भी समझदार नौकरानी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे सबसे ज्यादा बेवकूफ औरत यही हो यहाँ पर।
लेकिन अब मुझे उससे अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि इस तरह के बेवकूफ लोग ही दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं। व्योम खुद से बातें कर ही रहा था और उसके साथ ही वो महिमा को ध्यान से देख रहा था, लेकिन महिमा को इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं थी कि व्योम उसे काफी ध्यान से देख रहा है। ठीक उसी पल अब व्योम के दिमाग में और भी बहुत से सवाल चल रहे थे। व्योम की फैमिली में और कौन कौन है, मुझे किसी भी तरह से महिमा से पता लगाना होगा, लेकिन मुझे थोड़े दिमाग से काम लेना पड़ेगा जिससे महिमा को शक भी ना हो। वैसे तो ये थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन क्या पता शक भी करने लगे। अब व्योम मन ही मन में प्लानिंग करने लगा और फिर उसने महिमा से इमोशनल बातें करने के लिए खुद को थोड़ा तैयार कर लिया। व्योम ने जानबूझकर अपनी आंखों को आंसुओं से भिगो लिया और थोड़ा सैड हो गया। अगर मुझ पर इस जहर का असर हो जाता तो आज मैं नहीं बच पाता महिमा, और मेरे माँ बाप, इसमें इनकी भी क्या गलती जो उनके बेटे के साथ ऐसा होता। आप परेशान मत होइए यंग मास्टर, आपके मम्मी पापा तो सच में बहुत नेक दिल इंसान थे, वो भी इतने कि कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरी बात, आप यहाँ रेस्ट कीजिए, मैं एक दवाई लेकर आती हूँ, उसे ले लेने के बाद आपको चक्कर आना बंद हो जाएंगे, बस आप थोड़ी देर रुकिए। उसके बाद महिमा वहाँ से बाहर चली गई, और व्योम अब इतना तो जान ही चुका था कि व्योम उस शहर में एक अनाथ लड़का था और उसके माता पिता को स्वर्ग में बलिदान कर दिया गया था, क्योंकि एक जन्मजात राक्षस इस शहर से जुड़े सिल्वर मून वन में मास्टर दायरे में सफलता की कगार पर था। अब व्योम इस बारे में और भी बहुत कुछ जान रहा था, कुछ बातें उसे महिमा से पता चली थी तो कुछ बातों का उसने कमरे को देखकर अंदाजा भी लगाया था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मैंने रियलिटी में एक जर्नी की है, और वो भी कोई नॉर्मल जर्नी नहीं, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक की जर्नी। मैंने ऊपर वाले से लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग मांगा था, लेकिन ऊपर वाले ने तो मेरी पूरी लाइफ ही बदल कर रख दी। चलो अब जब तक यहां हूं मुझे यहां पर व्योम बनकर रहना ही होगा। अब काफी कुछ जान चुका हूं उसके बारे में भी। इस शरीर का पिछला मालिक व्योम है, जो अब मेरा ही नाम है। वो इस लायन कबीले का तीसरा यंग मास्टर है। व्योम अब उस लाइफ को अच्छी तरह से समझ चुका था, और वो ये भी जान गया था कि ये व्योम को नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि अपने एरिया का यंग मास्टर भी था। वो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। इन सारी बातों से एक बात तो क्लियर हो गई है, मैं किसी एशियाई देश में नहीं हूं, बल्कि ये एक अलग ही जगह है, या यूं कहिए कि कल्पनाओं से जुड़ी दुनिया है, जहां का हर शख्स काफी ज्यादा पावरफुल है। वो पहाड़ को चीर सकते हैं, समुद्र को चीर सकते हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर भी कर सकते हैं। अब व्योम को अचानक ही वहां पर रखी हुई एक डायरी मिली, और व्योम उस डायरी को उठाकर पढ़ने लगा। उस डायरी को पढ़ने के बाद व्योम काफी चीजें जान चुका था। ओह, तो ये डायरी व्योम की है, अच्छा हुआ जो मुझे ये मिल गई। अब मुझे इस डायरी से व्योम के बारे में काफी कुछ पता चल गया। मेरे शरीर का पिछला मालिक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था, जो अपनी मार्शल आत्मा को जगाए बिना भी वो मार्शल आर्ट के सेकंड स्टेज तक पहुंच गया। शायद इसी वजह से कबीले के बाकी लोग उससे जलने लगे, और फिर कबीले के बाकी जितने भी यंग मास्टर थे उनके मन में व्योम के लिए नफरत पैदा हो गई, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि वो अपनी प्रतिभा के कारण कबीले के मालिक की सीट पर बैठ सकता है। व्योम के लिए वो डायरी काफी ज्यादा काम की थी, और जैसे जैसे वो इस डायरी को पढ़ रहा था वैसे वैसे वो किंग कबीले के बारे में और वहां के लोगों के बारे में काफी कुछ जान चुका था। अब उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा था, और वो व्योम के कमरे से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया भी देखना चाहता था। लेकिन तभी वहां फिर से महिमा आई, जिसके हाथ में कुछ अजीब सी दवाइयां थी। यंग मास्टर, आप इसे पानी के साथ खा लीजिए, क्योंकि अगर जहर का थोड़ा बहुत असर भी रह गया होगा तो इससे पूरी तरह से निकल जाएगा। इसके साथ ही आपकी बॉडी में एनर्जी भी आ जाएगी। लेकिन मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी तरह की कोई दवाई की जरूरत है। लेकिन महिमा नहीं मानी, और उसने वो दवाई व्योम को जबरदस्ती खिला दी, जो खाने में काफी अजीब थी, लेकिन उसे खा लेने के बाद व्योम की बॉडी में काफी एनर्जी आ गई। उसके बाद महिमा ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर व्योम हैरान रह गया। यंग मास्टर, कल मार्शल स्पिरिट अवेकनिंग का दिन है, तो मुझे लगता है कि आपको बाकी यंग मास्टर से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मुझे भी यही लगा कि आप पर जो जहर का हमला किया था वो किसी दूसरे मास्टर का काम था। क्या कहा तुमने, मार्शल स्पिरिट? आपको पता है ना मार्शल स्पिरिट के बारे में? लगता है आपको जो जहर दिया गया था उसकी वजह से आपकी मेमोरी पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस बारे में। महिमा की बातें सुनकर व्योम ने राहत की सांस ली, और फिर उसने मन ही मन में उससे कहा, थैंक गॉड, इसको मुझ पर इस बार शक नहीं हुआ। ये अच्छा बहाना है अब महिमा से और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने का। उसके बाद महिमा इस बारे में डिटेल में बताने लगी। इस महाद्वीप की खास बात यह है कि यहाँ के हर एक इंसान में मार्शल स्पिरिट जागती है,
सिवाय जानवर और राक्षस जातियों के। मार्शल स्पिरिट को कई पार्ट्स और 10 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जैसे 10वें ऑर्डर से ऊपर सुपर ग्रेड है, लेकिन वो बहुत ही रेयर होते हैं। महिमा की बातें सुनकर व्योम का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और अब वो इस बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जान लेना चाहता था, इसीलिए उसने महिमा को इस बारे में डिटेल में बताने को कहा। पता नहीं मुझे किस तरह का पॉइजन दिया गया था, जब से मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुम मुझे सब डिटेल में बता दोगी तो मुझे भी सब याद आ जाएगा। 10 लाख में से सिर्फ एक ही स्पिरिट ऐसी होती है जो 11वें रैंक की सुपर मार्शल स्पिरिट होती है, और 1 अरब में से 1/12वें रैंक की स्पिरिट तो सुपर मार्शल स्पिरिट होती है। इसके अलावा कुछ मनुष्य अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाते ही नहीं है। मार्शल स्पिरिट अंततः पेरेंट्स की स्पिरिट और हमारे इंडिविजुअल टैलेंट पर निर्भर करती है। अभी तक जितनी भी जानकारी महिमा ने व्योम को दी थी, उसे वह सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी और इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। वो हर एक बात काफी ध्यान से सुन रहा था। व्योम की आंखें खुशी से चमक उठी। मार्शल स्पिरिट वाकई दिलचस्प लगती है, लेकिन अब सवाल ये है कि मैं किस तरह की मार्शल स्पिरिट जगा पाऊंगा। आई होप कि ये कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी, जैसे कि कोई आकाशगंगा या ब्रह्मांड। अभी तक की लाइफ तो काफी बोरिंग हो गई थी, लेकिन आज लगता है अब लाइफ में एंटरटेनमेंट होगा। महिमा व्योम को खुश होते हुए देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने यंग मास्टर की चिंता भी हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि कोई है जो उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। व्योम ने जब महिमा की आंखों में चिंता देखी तो काफी प्यार से समझाया, चिंता मत करो, तुम्हारा यंग मास्टर रियलिटी में एक भयानक मार्शल स्पिरिट को जगाएगा। महिमा ने हैरान होकर खुशी से सिर हिलाया और फिर उसने अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस करते हुए खुद से सोचा, यंग मास्टर हमेशा बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे दिखते हैं, बस वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। थोड़ी देर बाद महिमा वहां से चली गई और व्योम अपने रूम से निकलकर बाहर आंगन में आ गया। वो आसमान में सूरज देख रहा था, लेकिन उसे भी गर्मी नहीं लग रही थी, बल्कि उसे हवा में थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। उसने व्योम की डायरी काफी हद तक पढ़ ली थी और वो व्योम के बारे में काफी कुछ जान भी चुका था, इसलिए वो खुद से बोला, इस शरीर का पिछला मालिक एक मूर्ख था जो बिना किसी सावधानी के ऐसी खतरनाक दुनिया में रह रहा था। हर किसी पर मासूमियत से भरोसा करता था, और फिर एंड में दूसरे यंग मास्टर ने उसे जहर दे दिया। व्योम बाहर आंगन में घूम रहा था और जिस बॉडी में वो इस समय था, वो उस बॉडी के पुराने मालिक के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े पत्थर पर गई और उसने मन में अब कुछ और ही ख्याल पनपने लगे। चलो देखते हैं कि दूसरे रैंक के मार्शल आर्ट की ताकत कैसी दिखती है, मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। उसके बाद व्योम ने सामने आकर उस पत्थर पर जोर से मुक्का मारा और फिर तभी एक गर्म धारा उस पत्थर के बीच में से होकर गुजरी और उसकी मुट्ठी को ढक लिया, चट्टान को उड़ा दिया। छोटे छोटे मलबे इधर उधर उड़े, चट्टान हिली और थोड़ी सी टूटी, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ। फिर भी व्योम को इस तरह की पावर देखकर हैरानी जरूर हुई जो पिछले जन्मों में उसके पास नहीं थी। वाव, ये सब तो बहुत अच्छा है और मुझे पावर्स भी मिल गई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरी ये जर्नी कैसी होगी। अगले दिन व्योम को घर से बाहर एक ऑडिटोरियम में जाना था, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसको महिमा अभी पहले ही दे चुकी थी, इसीलिए व्योम सुबह ही रेडी हुआ और उस ऑडिटोरियम की तरफ चला गया। वहां जाने के बाद उसने देखा कि खाली और बड़े से मेन ऑडिटोरियम में उसकी ही उम्र के कुछ यंग लड़के और लड़कियां बातें कर रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। वे सभी मुख्य यानी कि कबीले के बड़े परिवारों के बच्चे थे। लाइन कबीला 2 पार्ट्स में बांटा गया था। तो इसका मतलब है कि वो भी मार्शल स्पिरिट को जगाने के लिए यहाँ है। ये लायन कबीला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। व्योम आसपास के माहौल को ध्यान से देखते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अभी व्योम खुद से बातें ही कर रहा था कि तभी वहां पर कुछ और यंग लड़के और लड़कियों ने एंट्री ली। उन्होंने जैसे ही व्योम को बैठे हुए देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा गए और एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सब व्योम को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। इस बात को व्योम ने भी बखूबी नोटिस किया। तो ये दोनों लड़के मेरी बॉडी के पिछले मालिक को जहर देने के पीछे हैं। इनके चेहरों के भावों से समझ आ रहा है, हालांकि चाहे इन्होंने मुझसे छिपाने की पूरी कोशिश की हो। अब देखते हैं कि इसमें कोई बड़ा शामिल है या नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे अलर्ट रहना होगा। जल्द ही बड़े बुजुर्ग और कबीले के मालिक प्रकट हुए और सभी परिवार के मेंबर्स खड़े होकर अपना सिर झुकाए मालिक का वेलकम करने लगे। व्योम भी उनके साथ ही खड़ा हो गया और ठीक वैसा ही करने लगा जैसा कि बाकी सभी कर रहे थे। कबीले का मालिक देखने में काफी रोबीला इंसान लग रहा था और एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके सुनहरे पैटर्न वाली व्हाइट कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसके साथ ही उसकी काली दाढ़ी और लंबी मूछें थी। उसके काले बाल एक गांठ में बंधे थे और उसके पीछे मुकुट जैसी गोल्डन पिन लगी हुई थी।
ये एक नॉर्मल हेयर स्टाइल था जिसे व्योम ने लगभग सभी पर देखा था। वहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों के हाव भाव को देखते हुए दो बड़े बुजुर्गों को छोड़कर जो बूढ़े लोगों की तरह दिख रहे थे, बाकी सभी के हेयर स्टाइल एक जैसे ही थे। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ। उस कबीले के मालिक ने सामने बैठे हर किसी शख्स की तरफ नजर दौड़ाई और उसकी एक नजर उस वक्त व्योम पर भी चली गई। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसे व्योम को वहां पर देखकर कोई भी हैरानी नहीं हुई थी, लेकिन व्योम इस वक्त हैरान जरूर था। बड़े कमाल की बात है कि किसी को भी मेरी ओर देखकर हैरानी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि मुझे यानी कि इस बॉडी के मालिक को जहर देने के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अलर्ट रहना होगा। ये भी तो हो सकता है कि ये बूढ़े लोग शायद अपनी फीलिंग्स को छिपाने में माहिर हों। जल्द से जल्द फंक्शन शुरू करो, सबसे पहले युविका। कबीले के मालिक के ऐसा कहते ही एक पतली और खूबसूरत लड़की वहां की मेन फैमिली से उठ खड़ी हुई, जिसकी त्वचा देखने में ही बिल्कुल सॉफ्ट लग रही थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ के पीछे सीधे बंधे हुए थे। इसके अलावा उसकी काली आंखें काफी प्यारी लग रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए स्टेज की ओर बढ़ी और कबीले के सभी मेंबर्स सीधे खड़े हो गए, जिसमें कबीले का मालिक भी शामिल था, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कबीले के मालिक की इकलौती बेटी थी। वो कबीले की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की थी। ये लड़की देखने में जितनी ज्यादा सुंदर है, लगता है उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड भी है। तभी से देखने के बाद सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। तभी युविका ने खंबे को थपथपाया और फिर अपनी आंखें बंद की। उसके ऐसा करते ही तुरंत एक छड़ के आकार की स्पिरिट बाहर आई। ये पूरी तरह से सफेद थी और इसमें से एक अलग तरह की रोशनी दिखाई दे रही थी। ये है 12th क्लास की सुपर मार्शल स्पिरिट, स्वर्गीय जेड बांसुरी। उनके आसपास के बाकी कबीले के मेंबर्स भी हैरान हो गए और सभी बुजुर्ग भी हैरान और एक्साइटमेंट में अपनी सीटों से खड़े हो गए। लेकिन व्योम के दिमाग में फिलहाल कुछ और ही चल रहा था। बांसुरी एक सुपर मार्शल स्प्लिट के रूप में, इसका कनेक्शन तो साउंड मार्शल स्प्लिट से होना चाहिए, लेकिन क्या साउंड पहाड़ों को तोड़ सकता है या सुनामी ला सकता है? शायद ला सकता है, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी पहाड़ की फ्रीक्वेंसी से मिलती हो तो ये पहाड़ को खत्म कर सकती है, बारिश का कारण बन सकती है, सुनामी ला सकती है और भी बहुत कुछ कर सकती है। व्योम के दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे थे कि जब तक कबीले के मालिक जाति ने अगला नाम अनाउंस किया। नेक्स्ट हर्षित। हर्षित मंच पर दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद एक काली छाया उसके पीछे प्रकट हुई, जिसका 7th रैंक और 3 आंखें थी। छाया उसके पीछे प्रकट हुई जिसका 7th रैंक और 3 आंखें थी। कबीले के मालिक जतिन ने शांति से सिर हिलाते हुए स्पॉट की अनाउंसमेंट की। युविका की तुलना में ये इतना स्ट्रॉन्ग और ब्रिलियंट नहीं है। व्योम ने हर्षित की ओर देखा, जो एक स्ट्रॉन्ग और डैशिंग लड़का था, जो परिवार का दूसरा यंग मास्टर था। फिर हर्षित ने अपने पीछे तैरते हुए अजीब से 3 आंखों वाले ब्लैक टाइगर को देखा, जो काफी अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था। उसके बाद कबीले के मालिक जतिन ने जिस नाम को अनाउंस किया, उसे सुनकर व्योम बुरी तरह से चौंक गया। नेक्स्ट व्योम। व्योम समझ चुका था कि अब उसे स्टेज पर जाना है, इसीलिए वो इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। आखिरकार अब मेरी बारी आ ही गई है, व्योम ने अपने दिल की धड़कन को दबाते हुए सोचा। शांति से खड़ा हुआ, फिर मंच की ओर चल दिया। कबीले के बाकी मेंबर्स और बुजुर्ग उसे देखकर चुप हो गए। उन सभी की निगाहें व्योम पर पड़ी। वे सभी जानते थे कि युविका के बाद व्योम परिवार में दूसरा ब्रिलियंट लड़का है। व्योम भी स्टेज पर आया और नीली रोशनी बिखेरते हुए काले खंबे को देखने लगा। इस खंबे को टच करो और अपनी मार्शल स्प्रिट को बाहर लाओ। व्योम ने सिर हिलाया और खंबे को छुआ, फिर उसने तुरंत महसूस किया कि खंबे से कुछ निकलकर उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है। वो हैरान हो गया, क्योंकि उसे एक नहीं बल्कि 2 स्पिरिट महसूस हुई, जुड़वा आत्मा। व्योम ने एक स्पिरिट को बाहर निकालने और दूसरे को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि दोनों तेजी से बाहर आ गई। ये बुरा है, हाँ ये सही नहीं हुआ है। अब सभी के चेहरों पर हैरानी, शक, कंफ्यूजन, खुशी, चंचलता और निराशा के भाव देखकर व्योम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तभी व्योम ने अपने हाथ में तैरते काले संगमरमर के मनके पर नजर डाली। वो हैरान था। मैजिकल स्टोन? तो इसका मतलब मैंने एक मैजिकल स्टोन की स्प्रिट को जगाया है? मेरी दूसरी आत्मा कहाँ है? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इस वक्त एक और आत्मा को महसूस किया। व्योम के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन फिलहाल वह इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि चाहकर भी जवाब नहीं खोज पा रहा था। आखिर क्या है सीक्रेट मैजिकल स्टोन का? क्या सच में व्योम ने दोस्त स्पिरिट को फील किया था? अगर ऐसा था तो दूसरी स्पिरिट कहाँ है और किसकी है?
इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इसका अगला भाग। एक आवाज पूरे मुख्य हॉल में गूंज उठी, उसके साथ ही सन्नाटा फैल गया। हर कोई व्योम को काफी ध्यान से देख रहा था और व्योम समझ नहीं पा रहा था कि वे सभी उसको ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी कबीले के मालिक जतिन ने घोषणा की, ये कोई स्पेशल स्टोन नहीं है, ये बस एक आम सा स्टोन है जिसे मैं सेकंड ग्रेड देता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कबीले के मालिक जतिन ने जिस वक्त ये अनाउंसमेंट की तो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो व्योम के इस स्टोन को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो व्योम को देखने के बाद पूरी तरह से मायूस हो चुका था। व्योम की ऐसी सिचुएशन देखकर आसपास बैठे कुछ और लड़के लड़कियां भी उसका मजाक बनाने लगे और एक दूसरे के साथ फुसर फुसर करने लगे। सेकंड ग्रेड की मार्शल स्प्रिट। पूरे ऑडिटोरियम में फिर से जोरदार हंसी की आवाज फैल गई और बाकी सभी भी हंसने लगे। इसके साथ ही बड़ों ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। व्योम ने हैरान होकर चारों ओर देखा, फिर अपने 3 इंच के उस स्टोन को देखकर उसने कुछ सवाल किए, क्या ये सच में सिर्फ सेकंड ग्रेड का है? लेकिन कबीले के मालिक को व्योम का ऐसे उसके फैसले पर सवाल करना जरा भी पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने व्योम को काफी गुस्से में वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हारे मन में जितना शक है और मेरे फैसले को लेकर जो भी सवाल चल रहे हैं उनको वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब तुम वापस जा सकते हो, दूसरों को लेट मत करो। जैसे ही कबीले के मालिक जतिन ने व्योम को गुस्से में वार्निंग दी तो चारों ओर सन्नाटा पसर गया। उसके बाद व्योम वहीं खामोश हो गया। फिर वो बिना आसपास देखे अपनी सीट पर वापस आया और शांत होकर बैठ गया। लेकिन उसके आसपास बैठे हुए यंग लड़के अभी भी हंसते हुए उसकी तरफ देख रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। ठीक व्योम के साथ बैठे हुए उसके एक कजन निखिल ने व्योम के कान के पास आकर कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर व्योम को थोड़ा गुस्सा आने लगा। ओ हमारे जीनियस व्योम, हमारे प्यारे सेकंड ग्रेड लेकिन यूज़लेस मार्शल स्प्रिट, कैसा लग रहा है अपनी इंसल्ट करवाकर? निखिल ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ व्योम का मजाक उड़ाया जो किंग कबीले के चौथे यंग मास्टर का बेटा था। तभी व्योम ने भी निखिल की तरफ देखा और अचानक ही उसके दिमाग में एक तेज करंट सा दौड़ गया। एक पल के लिए व्योम ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर दोबारा निखिल की तरफ देखने लगा। अच्छा तो उन दोनों में से एक यही निखिल है जिसने मेरी बॉडी के मालिक यानी कि असली व्योम को पॉइजन दिया था। मुझे आगे से इस निखिल से अलर्ट रहना होगा। हर कोई व्योम का मजाक बना रहा था और व्योम के साथ बैठी हुई एक और यंग मास्टर नैना ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हे, हर कोई सोचता था कि तुम परिवार के एक स्ट्रॉन्ग मेंबर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे आज के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि अगली बार कंपटीशन में तुम इस कंपटीशन से परमानेंट ही बाहर हो जाओगे। वे सभी मिलकर व्योम का हद से ज्यादा मजाक बना रहे थे और उस पर हंस रहे थे, लेकिन व्योम कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसके लिए ये माहौल पूरी तरह से नया था। फिलहाल वो हर किसी को सिर्फ समझ लेना चाहता था, इसीलिए व्योम ने उन सभी पर इस तरह की नजर डाली जैसे कि वो सड़क किनारे के कुत्तों को देख रहा हो। फिर वो उनके कानों पर ध्यान दिए बिना शांति से अपनी सीट की ओर चला गया। वो पहले से ही जानता था कि इस दुनिया में हर जगह उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ये सब समझते हैं कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा, लेकिन ये सब मेरे बारे में ये नहीं जानते कि इस बार इनका सामना किसके साथ होने जा रहा है। निखिल और नैना ने जब देखा कि रूम पर उनकी कही गई बात का कोई असर नहीं हो रहा है और वो उन सभी को जानवर की तरह देख रहा है तो वो सभी चौंक गए और उसके बेपरवाह रवैये को देखकर बेहद गुस्सा हो गए। उनकी आंखों में नफरत और आक्रोश छलक रहा था। अरे कमीने, तू एक बार फिर से शांत बिहेव कर रहा है। तेरे अंदर सेकंड ग्रेड की स्पिरिट जाते हैं, फिर भी तू इतना घमंडी है। बस अब तो कबीले में होने वाले अगले कॉम्पिटिशन का इंतजार कर, तब हम सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। जब तक कबीले के मालिक ने अगला नाम अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट निखिल। निखिल खड़ा हुआ और मुस्कुराया। उसके बाद वो गर्व से स्टेज की ओर चला गया। उसके जाते ही उसने उस खंबे को छुआ और खंबे को छूते ही उसके हाथ में एक लंबी तलवार आ गई जिसके काले ब्लेड में 9 छेद थे और वे सभी तारे जैसे चमक रहे थे। कबीले के मालिक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चौथे बुजुर्ग ने भी हंसते हुए अपनी दाढ़ी रगड़ी दूसरे बुजुर्ग की ओर देखा जो निखिल के पापा थे। उन्होंने भी अपने बेटे की ओर गर्व से देखा। 9 स्टार वाली तलवार, 9th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट, वाओ बहुत बढ़िया। उसके बाद निखिल भी अपनी सीट पर वापस आ गया और उसने व्योम की तरफ उसे नीचा दिखाने वाली नजर से देखा, लेकिन व्योम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और ना ही किसी भी तरह का कोई रिएक्ट किया। निखिल को यह जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना सब होने के बाद भी व्योम इतनी शांति से क्यों बैठा हुआ है। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इतना सब होने के बाद भी ये व्योम इतना शांत होकर क्यों बैठा है? समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। कुछ भी हो,
लेकिन मुझे इसको सबक सिखाना ही होगा। उसके बाद जितने भी यंग मास्टर थे उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और सभी का ग्रेड काफी अच्छा रहा सिवाय व्योम को छोड़कर। दूसरी ओर व्योम आज जागी हुई सभी सदस्यों की मार्शल स्पिरिट को ध्यान से देख रहा था और उनके नाम रूप और स्पिरिट के अकॉर्डिंग ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे यूज की जाएंगी। पूरी तरह से रिसर्च कर लेने के बाद वो भी कंक्लूजन पर पहुंच चुका था। मेरी मार्शल स्पिरिट रियलिटी में बाकी हथियार और जानवर से थोड़ी कमजोर है, वो इसके साथ सीधे हमला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास एक और मार्शल स्पिरिट है। खुद से ही बातें करते हुए व्योम अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उसे मिलने वाला वही स्टोन चल रहा था। घर आने के बाद वो अकेला अपने रूम में बैठ गया और उसने महिमा को वहां से जाने को बोल दिया। वो फिलहाल अकेला रहना चाहता था और इस बारे में ज्यादा डीपली सोचना चाहता था। अब वो बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया, अपने उस स्टोन को अपने हाथ में ले लिया, फिर वो आंखें बंद करके उस स्टोन को महसूस करने लगा कि तभी उसे अपनी हथेली में एक ठंडी कांच जैसी सनसनी महसूस हुई, जिससे वो बुरी तरह से चौंक गया और आंखें खोलकर उस स्टोन को ध्यान से देखने लगा। ये स्टोन इतना भी आम नहीं लगता जितना कि हर कोई समझ रहा है, मुझे तो ये मैजिकल स्टोन लग रहा है। व्योम उसे ध्यान से देखने लगा और फिर उसे उस मैजिकल स्टोन में से एक अजीब सी रोशनी निकलती हुई दिखाई देने लगी। उसे देखने के बाद व्योम को पूरा यकीन हो गया कि जो स्टोन उसके पास है वो हो ना हो एक मैजिकल स्टोन ही है, इसीलिए उसने उसे मैजिकल स्टोन को संभाल कर अपने पास रख लिया। लेकिन तभी उसे अपनी दूसरी आत्मा का ध्यान आया जो उस वक्त उसकी बॉडी में थी। अब वो अपनी उस आत्मा के बारे में सोचने लगा। मेरी दूसरी मार्शल स्पिरिट कहाँ है? अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी आत्मा से बातें करना शुरू कर दी। फिर उसके मन से आवाज आई कि उसकी दूसरी मार्शल स्पिरिट उसके उसी मैजिकल स्टोन के अंदर पड़ी थी। व्योम ने हैरान होकर अपनी आंखें खोली और मैजिकल स्टोन पर नजर डाली। मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ? अब उसने इसे ध्यान से देखना शुरू कर दिया। तुरंत ही दोनों मार्शल स्पिरिट के बारे में जानकारी उसके दिमाग में आई और फिर उसकी सेंस उसकी बॉडी में लौट आई। अगले ही पल व्योम के फेस पर स्माइल आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये स्पिरिट मेरे पीछे यहां तक आएगी और मेरी मार्शल स्पिरिट बन जाएगी। फिर वो अपने कमरे के अंदर बैठे हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ कि अचानक ही अपने बेड से खड़ा हो गया और पागलों की तरह झूमने लगा। व्योम चाहकर भी अपनी खुशी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया। फिलहाल मैं जरूरत से ज्यादा खुश नहीं हो सकता हूँ, अभी आगे और भी बहुत कुछ करना है। अब व्योम समझ चुका था कि उसके पास जो मैजिकल स्टोन है वो एक नॉर्मल स्टोन नहीं है बल्कि यह भाग्यमन का है। पृथ्वी पर उसके परिवार के पास प्राचीन खजाना है, यह उसे उसकी माँ ने उसे बुरी किस्मत और दुर्भाग्य से सुरक्षित रखने के लिए दिया था। उसे बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली, बस इस स्टोन के कुछ कार्य मिले। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मैजिकल स्टोन पूरी तरह से सफेद था, लेकिन ये अब काला हो चुका है क्योंकि इसके अंदर का भाग्य समाप्त हो गया था। इसने ही मेरी आत्मा को दो बार पुनर्जन्म दिया। योम ने अपना सिर उठाया और आसपास देखने लगा, चाहे वो अब कहीं भी देखे या किसी के भी साथ, लेकिन फिर भी वो दूर से ही अपनी दूसरी स्पिरिट को अपने अंदर महसूस कर सकता था। फिर चाहे भले ही उसकी दूसरी स्पिरिट उसकी आत्मा के अंदर वापस चली गई। अब अचानक ही व्योम खड़ा हुआ और कुछ खोजने के लिए अपने कमरे के अंदर चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर अपने शीशे की मेज के ऊपर के हेयर पिन पर पड़ी। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कुछ सोचने लगा। मेरे अंदर दो आत्माएं हैं, तो अगर मैं अपनी एक आत्मा से कुछ ऐसा काम करवाऊं जो काफी अलग हो तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम मेरी दूसरी मार्शल आत्मा हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम इस पिन को चबाकर खा जाओ और पिंगला दो। व्योम के ऐसा आदेश देते ही एक हवा का झोंका उसके आसपास चलने लगा और फिर एक काला साया दिखाई देने लगा। उसके बाद व्योम ने वो पिन उस साये की तरफ बढ़ा दी और उस काले साये ने उस पिन को लेकर अपने अंदर निकल लिया। लेकिन अगले ही पल वो पिन फिर से उस साये के हाथ में थी, फिर धीरे धीरे वो पिन पिघलने लगी। एंड में वो पिन कीचड़ जैसी लिक्विड में बदल गई। अब उस साये ने पिन से बना लिक्विड व्योम के हाथ में दे दिया, जिससे व्योम के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। तभी व्योम ने कुछ ऐसा कहा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ यहाँ जर्नी करोगे, वैसे भी तुम मेरी रचना हो, मैंने तुम्हें बनाया है, मेरे छोटे नैनोबॉट्स। जी हाँ, जिस काले साये ने उस पिन को कीचड़ में बदला था वो काला साया नहीं बल्कि व्योम की नैनोबॉट थी। फिर व्योम याद करने लगा कि कैसे वो अपनी रचना के कारण दम घुटने से मर गया था। ओह नो, मैं ये कैसे भूल गया था कि ये मेरा दूसरा नहीं तीसरा जन्म है। मुझे वो समय अच्छी तरह से याद आ गया है जब मैं अपने भविष्य काल के समय यानी कि फ्यूचर में पहुंचा हुआ था और एक एक्सपेरिमेंट करके नैनोबॉट्स बना रहा था।
क्योंकि आने वाले वक्त में नैनो वॉच सबसे ज्यादा यूज में आने वाला होगा। याद आ गया मुझे कि कैसे मैंने 9 साल तक लगातार कई एक्सपेरिमेंट किए जिससे एक नैनो वॉच बनाऊं जो आगे चलकर मेरे वैसे ही काम आ सके जैसे एक रोबोट आता है। उन एक्सपेरिमेंट में मैंने इतना पैसा खर्च किया कि कुछ सोच भी नहीं सकता, और फिर मेरा नैनो वॉच तैयार हो गया था। वियोम को काफी कुछ याद आ गया था और फिर वो उस बारे में सोचते हुए उन्हीं यादों में खो गया और कुछ पलों के लिए उसी वक्त में चला गया। आखिरकार मेरी नैनो वॉच तैयार हो ही गई, अब मैं इससे कोई भी काम करवा सकता हूँ। वियोम अपनी इस नई नैनो वॉच को काफी ध्यान से देख रहा था कि तभी अचानक काफी तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मौसम बदल गया। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी और फिर उस नैनो वॉच में से एक तेज रोशनी निकली जो वियोम के अंदर समाने लगी। ये अचानक नैनो वॉच में से रोशनी निकलकर मेरे अंदर क्यों समाने लगी है? ये काफी गर्म है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वियोम नैनो वॉच को ध्यान से देखने लगा लेकिन उसे उस रोशनी का कारण समझ नहीं आया। फिर वो रोशनी काफी ज्यादा तेज हो गई और देखते ही देखते वियोम में समा गई। वियोम तड़पने लगा और फिर उसका अंत हो गया। आज वही नैनो वॉच एक साए ने वियोम तक दोबारा पहुंचा दी थी। उसके साथ ही वियोम अब फ्यूचर की उन यादों से निकलकर वापस आ गया और फिर खुद से ही बोला, अब मुझे सब समझ आ चुका है। इसी नैनो वॉच की वजह से मेरी जान गई थी, इसके अंदर से जो जहरीली रोशनी निकली थी उसी ने ही मुझे खत्म कर दिया था। लेकिन नैनो वॉच में खुद ऐसी रोशनी नहीं निकल सकती थी। लगता है मेरे साथ लैब में काम करने वाले मेरे असिस्टेंट ने मुझे धोखा दिया था। उसने उस वक्त नैनो वॉच में चोरी से कुछ ऐसा चेंज किया था जिसकी वजह से वो रोशनी निकली थी और मैं वहीं मर गया था। मुझे उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब व्योम ने अपने दिमाग में ये सूचना सुनी और उसे पछतावा होने लगा। तभी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। व्योम अपने आखिरी वक्त में मरने वाली घटना को याद करके थोड़ा कांप उठा। एक बार फिर से अपने हाथ में नैनो वॉच को देखकर जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थी उसका चेहरा चमक गया। वाह, क्या बात है, मैं इस नैनो वॉच का मास्टर हूँ और मेरी स्पिरिट ने एक नैनो वॉच से और कई नैनो वॉच बना दी है। अब मैं नैनो वॉच को अलग से और आसानी से कंट्रोल में कर सकता हूँ। अब मेरा कंट्रोल उन पर पूरी तरह से है। अगर कभी मुझे आगे चलकर पहले की तरह ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं इन सभी को खत्म करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो मेरे खत्म करने से हर नैनो वॉच राख में बदल जाएगा और सिर्फ एक ही नैनो वॉच बचेगा जिसमें मेरी दूसरी मार्शल स्पिरिट है। फिलहाल व्योम को अपनी नैनो वॉच वापस मिल चुकी थी और ये वही नैनो वॉच थी जिसकी वजह से उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी, और वो भी तब जब वह भविष्य काल में चला गया था। अब उसके पास उसकी नैनो वॉच वापस आ चुकी थी और अब वह क्या करने जा रहा था फिलहाल ये कोई नहीं बता सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मार्शल स्पिरिट ने भी कई नैनो वॉच बना दी थी जिन्हें देखकर वो काफी खुश था। ठीक उसी वक्त युविका भी अपने घर में मौजूद थी लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त व्योम चल रहा था। फिर उसको वह हर पल याद आने लगा था जो सुबह हो चुका था। युविका अपने रूम में इधर उधर घूमने लगी और खुद से ही सवाल करने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना ज्यादा पावरफुल इंसान अचानक ही सेकंड ग्रेड पर पहुंच जाए? पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। कुछ भी करके मुझे पता तो करना ही होगा क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ व्योम था, तो उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? युविका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन है। उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे लेकिन फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि व्योम ने कुछ तो बदला है। ऐसा लगता है कि जैसे ये वो व्योम ही ना हो जिसे मैं जानती थी। सिर्फ उसका चेहरा पहले जैसा है लेकिन बाकी उसकी स्माइल, उसका चलने का स्टाइल सब बदला बदला लगता है। अब ये मेरे मन का वहम है या सच्चाई, इस बारे में कैसे पता करूं? क्या युविका जान पाएगी व्योम की सच्चाई? क्या करेगा व्योम और कैसे यूज करेगा? रात युविका के दिमाग में व्योम की बातें ही घूमती रही और फिर उसने तय किया कि वो किसी भी तरह से व्योम की सच्चाई का पता लगाएगी। क्या सच में व्योम की पावर्स कब और वो अब सिर्फ एक यूजलेस मास्टर स्पिरिट का ऑनर बनकर रह चुका है? अगर ऐसा है तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अभी एडिटर था तो वो सिर्फ व्योम था। अब अगर वो एक यूजलेस सेकंड ग्रेड का स्पिरिट ऑनर बन चुका है तो मेरे सामने और कोई नहीं देख सकता, लेकिन एक बार मुझे इस बारे में खुद जाकर पता लगाना ही होगा। उसके बाद युविका ने सच्चाई पता लगाने का फैसला कर लिया और उसने व्योम से मिलने का पूरी तरह से मन बना लिया।
वहीं दूसरी तरफ व्योम इस वक्त भी अपने रूम में अकेला था कि तभी महिमा ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। व्योम खुद से ही बड़बड़ाने लगा। मना किया था इस लड़की को कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, फिर भी सुबह सुबह आ गई। पता नहीं क्यों इतना डिस्टर्ब करती है, सच में बेवकूफ ही है। खुद से बातें करते हुए व्योम ने दरवाजा खोला और देखा तो सामने महिमा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे देखने के बाद व्योम को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। देखो महिमा, फिलहाल मैं किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए तुम बार बार यहाँ आकर डिस्टर्ब मत करना, समझी? इससे पहले कि महिमा कोई जवाब दे पाती, तभी व्योम ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद महिमा खुद से ही बोली, कितने अजीब है यंग मास्टर, मैं तो इससे पूछने आई थी कि सुबह हो गई है, अगर भूख लगी हो तो कुछ खाने को बना दूं, लेकिन इन्हें तो हमेशा अपना एटीट्यूड ही दिखाना है। ठीक है, अब बंद रहो इसी कमरे में सारा दिन भूखे प्यासे। अब मैं भी नहीं पूछने वाली कि आपने कुछ खाना है या नहीं, जब भूख लगेगी या प्यास लगेगी तो खुद ही महिमा की याद आएगी। खुद से बातें करते हुए महिमा वहां से चली गई और व्योम ने खुद को एक बार फिर से कमरे में बंद कर लिया। वो इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस था और कोई खास काम कर रहा था। उसके बाद व्योम ने झट से नैनोबॉट पर नजर डाली। चलो नैनोबॉट्स का असर देखते हैं। उसने काफी ध्यान से नैनोबॉट्स देखी और फिर वो नैनोबॉट्स को सामने रखकर बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद हवा में बहुत सारे सफेद बिंदु टिमटिमाते हुए महसूस करते हुए, जिन्हें देखकर व्योम चौंक गया। ये चमकीले व्हाइट डॉट्स कैसे उड़ रहे हैं मेरे रूम में? देखने में बिल्कुल स्टार्स की तरह चमक रहे हैं। कहीं ये स्वर्ग और पृथ्वी की ऑरा है? लगता है कि नैनोबॉट का मार्शल स्प्रिट ने काफी तेजी के साथ हवा से ऑरा एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। तभी उसके रूम में एक हल्का सा हवा का झोंका आया, जिससे उसके मैजिकल स्टोन के अंदर हेवन और अर्थ की रोशनी को फिल्टर किया। फिर उसने तीसरे ऊर्जा फंक्शन का उपयोग करके नैनोबॉट्स द्वारा उस रोशनी को मार्शल लाइट में बदल दिया। फिर मार्शल स्पिरिट द्वारा एक आभा उसकी बॉडी के अंदर आ गई। अब नैनोबॉट्स पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये काम कैसे करती है मुझे वो जानना ही होगा। पहले मुझे कोई बड़ा काम ना करवाकर नैनोबॉट से कोई छोटा काम करवाकर देखना चाहिए। अगर वो कर दिया तो मैं इससे कोई भी बड़ा काम करवाकर देख सकता हूँ। उसके बाद व्योम काफी देर तक सोचता रहा और फिर उसने व्योम को बाहर ले जाकर घर के काम करवाने की सोची। मुझे नैनोबॉट्स को बाहर लेकर जाना चाहिए, तभी शायद कुछ कर पाऊं मैं। व्योम नैनोबॉट को लेकर रूम से बाहर आ गया और आसपास देखने लगा। नैनोबॉट देखने में काफी छोटे होने की वजह से वो कोई देख भी नहीं सकता था, और यही उसकी अच्छी बात थी। फिर वो किचन में आया और उसने देखा तो वहाँ पर महिमा बैठी हुई सब्जियाँ काट रही थी और खुद से ही बड़बड़ा रही थी। कितना काम पड़ा है और अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, अब लगता है आज भी मार्केट जाना रह जाएगा। कितने दिनों से सामान की लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन लाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तभी व्योम ने एक नैनोबॉट महिमा की तरफ छोड़ दी और उसे काम करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद वो नैनोबॉट उड़ती हुई आई और महिमा के चारों तरफ भागने की तरह उड़ने लगी। ये मेरे आसपास क्या घूम रहा है? इससे पहले कि महिमा उस नैनोबॉट को देख पाती, अचानक ही उसके आसपास एक तेज रोशनी फैल गई, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान हो गई। मैं तो सब्जियां काट रही थी ना, तो ये इतनी जल्दी सब्जियां खुद कैसे कट गईं? नैनोबॉट अपना काम करके वापस जा चुकी थी और फिर व्योम आगे का नजारा देखकर मुस्कुराने लगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब्जियां अपने आप कैसे कट सकती हैं? कहीं मेरे आसपास कोई स्पिरिट तो नहीं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही हो? महिमा इतना ज्यादा घबरा गई कि वो चिल्लाते हुए तेजी से किचन में से बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी वो दरवाजे पर खड़े हुए व्योम से टकरा गई। महिमा का बैलेंस बिगड़ गया और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली थी तो व्योम ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अच्छा हुआ आप आ गए यंग मास्टर, यहाँ जरूर कोई स्पिरिट है जो मुझे परेशान कर रही है। अच्छा ऐसा क्या किया उस स्प्रिट ने? उसके बाद महिमा ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर व्योम हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देखकर महिमा का मुंह बन गया और वो सब समझ गई। अच्छा तो इसका मतलब ये सब आपने किया था, लेकिन ये आपने किया कैसे? जरूर कोई मैजिक किया होगा, है ना? जो भी किया तुम्हें तो फायदा हो गया ना, अब जाओ और बाकी का काम करो। महिमा मुंह बनाती हुई चली गई और व्योम वापस अपने रूम में आ गया। उसके फेस पर अभी भी स्माइल थी। ये लड़की सच में बेवकूफ है, और वैसे नैनोबॉट तो मेरा हर कहा मानती है, अब आएगा मजा। व्योम अपने रूम में आने के बाद व्योम ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी, लेकिन वो कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि वो काफी मुश्किल एक्सरसाइज थी, जिसे करने में व्योम को काफी दर्द हो रहा था। काफी देर तक वो लगातार करता रहा, लेकिन जब फिर दर्द सहन नहीं हुआ तो वो खुद से बोला, अब मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, हाँ यही सही रहेगा। उसके बाद जैसे ही व्योम रुकने लगा कि तभी अचानक उसका चेहरा बदल गया और फिर उसका मैजिकल स्टोन फिर से चमक गया। फिर उसमें से एक बार फिर से एक तेज रोशनी निकली और व्योम की बॉडी में समा गई, लेकिन इसका पता व्योम को नहीं चल पाया। उसके बाद व्योम ने व्यायाम फिर से शुरू कर दिया और फिर जल्द ही व्योम को काफी दर्द महसूस होने लगा।
व्योम की मेरिडियन एक बार फिर से दुगनी चौड़ी हो गई और फिर सब शांत हो गया। तभी व्योम ने अपनी आंखें खोल ली। वाओ, मैं इतनी जल्दी चौथे मार्शल आर्टिस्ट पहुंच गया हूं। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि दूसरों को एक मार्शल आर्टिस्ट दायरे से बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं? व्योम ने यह सब उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी मेमोरी में उसे दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के ग्रेड से बाहर निकलने में 4 साल लगे थे, लेकिन अब इसमें कुछ मिनट लगे और वो 2 बार मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच गया। यस, तो मैंने कर दिखाया, मैं इतने कम वक्त में ही चौथे मार्शल आर्टिस्ट में पहुंच गया हूं। व्योम की पावर्स बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन वो इन सब की वजह सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि किसी और को भी मान रहा था। मैंने आज जो भी हासिल किया है उसकी वजह सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो दोनों स्प्रिट भी हैं जो मेरे अंदर हैं और मुझे सपोर्ट करती हैं। व्योम के अंदर इस वक्त पहले से भी 4 गुना ज्यादा पावर आ गई थी, जिस वजह से उसकी बॉडी में चेंज होना एक नॉर्मल बात थी। धीरे धीरे व्योम की बॉडी में कुछ चेंज होने लगा और उसे काफी अजीब फील होने लगा। ये अचानक मेरी पूरी बॉडी में खुजली क्यों होने लगी है और ये अजीब से रेड कलर के रैशेस क्यों हो गए हैं? क्या इस वजह से? क्योंकि मेरी बॉडी में पहले से 4 गुना ज्यादा पावर आ चुकी है। अब मेरी बॉडी को इसकी आदत डालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक मैं कैसे खुद को नॉर्मल रखूं? अचानक ही व्योम ने काफी ज्यादा तड़पना शुरू कर दिया और उसकी बॉडी का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो वहीं फर्श पर गिर गया। ठीक उसी पर उसका हाथ पास ही रखे हुए एक फ्लावर पॉट से टकरा गया और वो नीचे गिर के चकनाचूर हो गया। उसके तुरंत की आवाज इतनी तेज थी कि चारों तरफ गूंज गई। महिमा जो बाहर ही बैठी हुई थी, उसने जैसे ही फ्लावर पॉट के टूटने की आवाज सुनी तो वो काफी ज्यादा घबरा गई। ये आवाज कैसी आई है? ये मास्टर ठीक तो होंगे ना? ऐसा करती हूँ, एक बार जाकर दिखाती हूँ। ये सोचकर महिमा जैसे ही उठी तो उसे फिर से व्योम की कही हुई बातें याद आ गई और उसने अपने कदम वहीं रोक लिए। अगर मैं फिर से गई तो यंग मास्टर फिर से गुस्सा करेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन महिमा का मन अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं था और फिर उसने और व्योम के रूम में जाने का ही फैसला किया। वो तेजी से व्योम के रूम में गई और उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो वो काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि ठीक उसके सामने व्योम फर्श पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर महिमा तेजी से दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, यंग मास्टर क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं आपको फिर से किसी ने पॉइजन दे दिया हो? व्योम चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और महिमा ने खुद से ही सवाल करना शुरू कर दिया। लेकिन यंग मास्टर तो घर से बाहर भी नहीं गए और ना ही कोई अंदर आया, तो फिर कौन और कैसे उन्हें पॉइजन देगा? महिमा लगातार व्योम के बारे में सोच रही थी और फिर उसने फैसला किया। ऐसा करती हूँ, मैं कोई काढ़ा बनाकर लाती हूँ, शायद उससे फर्क पड़ जाए। इतना कहने के बाद वो तेजी से वहाँ से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद व्योम और भी ज्यादा तड़पने लगा और तभी उसका ध्यान अपने मैजिकल स्टोन की तरफ गया। व्योम ने देखा कि उसका मैजिकल स्टोन चमक रहा था और उसने सफेद रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। व्योम ने उसे अपने हाथ में लिया और वो रोशनी सीधे निकलकर व्योम की बॉडी में समा गई। फिर देखते ही देखते व्योम के शरीर का सारा दर्द गायब हो गया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जहाँ एक तरफ व्योम अपनी पावर और नैनो बॉट्स का विस्तार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ युविका हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उसने अपनी एक सर्वेंट के साथ मिलकर व्योम के घर आने का फैसला किया। कुछ ही देर में वो दोनों व्योम के घर में पहुंच गए और युविका की सर्वेंट ने व्योम के घर का दरवाजा खटखटाया। महिमा जो काढ़ा बनाकर व्योम के रूम की तरफ जा रही थी, वो दरवाजे की आवाज सुनकर उस तरफ मुड़ गई और फिर उसने आगे जाकर दरवाजा खोला। ठीक उसके सामने युविका खड़ी हुई थी और उसको देखकर महिमा हैरान हो गई। आप और यहाँ? लेकिन आप यहाँ क्या करने आई हैं? तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? तुम जाओ और जाकर व्योम को बोलो कि मैं आई हूँ और मुझसे आकर बात करे। युविका के एटीट्यूड को देखकर महिमा को गुस्सा आने लगा और वो भी पूरे एटीट्यूड से बातें करने लगी। तुम कौन होती हो मुझे इस तरह से ऑर्डर देने वाली? एक बात याद रखना तुम, मैं यंग मास्टर के यहाँ काम करती हूँ, तुम्हारे यहाँ नहीं, समझी? इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। युविका से आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी, इसीलिए उसे भी महिमा पर गुस्सा आने लगा और वो चिल्लाते हुए बोली, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो अभी जाओ और जाकर उस व्योम को बुलाकर लाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगी। महिमा युविका के सामने आकर अकड़ से खड़ी हो गई। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आती हो। युविका का गुस्सा बहुत ही बढ़ता जा रहा था और उसने अगले ही पल महिमा को दूर धक्का दे दिया, इसकी वजह से महिमा दूर फर्श पर जा गिरी। इससे पहले कि महिमा खुद को संभाल पाती, युविका सीधे व्योम के कमरे की तरफ बढ़ गई। युविका आसपास अच्छी तरह से देखने लगी और व्योम के रूम को ढूंढने लगी। अब उस व्योम का रूम पता नहीं कहाँ होगा, मुझे आज उससे मिलते ही रहना है। एक बार मुझे ये जानना है कि उसकी पावर इतनी कम कैसे हो गई, वो व्योम इतना वीक कैसे हो गया, कहीं वो कोई गेम तो नहीं खेल रहा। बस एक बार ये पता चल जाए उसके बाद मैं भी तहशत्री हो जाऊंगी। युविका अपनी सर्वेंट के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगी और फिर घर के अंदर उसने आसपास हर एक कमरे को देख लिया, लेकिन उसे व्योम का रूम कहीं दिखाई नहीं दिया।
फिर फाइनली उसकी नजर उस कमरे की तरफ गई जिसमें व्योम अपने काम में बिजी था। युविका ने बिना देर किए व्योम के रूम का दरवाजा खोल दिया। उसके बाद उसने जो देखा वो देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। ऐसा क्या हो रहा है? आखिर ऐसा क्या देखा युविका ने? क्या वो जान पाएगी व्योम की सच्चाई? क्या करेगी अब युविका? इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए सुनिए इसका अगला भाग। युविका ने जैसे ही व्योम के रूम का दरवाजा खोला तो वो बुरी तरह से चौंक गई और बिना पलकें झपकाए व्योम के रूम में देखने लगी। ठीक उसके सामने व्योम खड़ा हुआ था और इस वक्त उसके हाथ में एक नुकीली चमकीली तलवार थी। वो तलवार जरूरत से ज्यादा चमक रही थी और उसकी चमक देखकर युविका भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। बेशक कितनी ही तलवारें चलाना सीख जाओ तुम, लेकिन मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। व्योम ने एक नजर भर के युविका की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए दोबारा से अपनी तलवार की तरफ देखने लगा। युविका ने जब देखा कि व्योम ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया है तो वो पहले से भी ज्यादा भड़क गई। तुम ऐसे मुझे इग्नोर करके मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। जानते हो ना मैं कौन हूँ और मेरा ग्रेड क्या है? तो तुम मुझे यहाँ ये बताने आई हो? अब युविका को और भी ज्यादा इंसल्ट फील होने लगी और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। लगता है कॉम्पिटिशन में जो तुम्हारा सेकंड ग्रेड आया है ना, उसकी वजह से तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति जवाब दे चुकी है। मैं तो यहाँ ये देखने आई थी कि अचानक से तुम्हारा ग्रेड सेकंड कैसे हो गया है। तुम इतने लो लेवल पर अचानक कैसे जा सकते हो? मुझे लग रहा था कि शायद तुम कोई नाटक कर रहे हो, लेकिन अब लगता है कि शायद सच में तुम बहुत वीक हो चुके हो और शायद इसीलिए बाकी सारी बातें छोड़कर तुम इस तलवारबाजी में लगे हुए हो। तुम्हें अपने ग्रेड की जरा सी भी टेंशन नहीं है। युविका लगातार बोले ही चली जा रही थी, लेकिन व्योम उसकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। युविका ने जब देखा कि व्योम उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है तो उसे वहां से वापस आना ही सही लगा। उसे इस वक्त काफी इंसल्ट फील हो रही थी, इसीलिए वो गुस्से में वापस जाने लगी। वह व्योम के कमरे से निकली और बाहर आंगन में पहुंच गई। तभी अचानक एक पेड़ की टहनी टूटी और युविका के ऊपर गिरने लगी। व्योम जो इस वक्त अपने कमरे में था उसे अचानक ही टहनी टूटने की आवाज आई और वो तेजी से युविका की तरफ दौड़ा। इससे पहले कि वो टहनी युविका के ऊपर गिरती, व्योम ने अपनी तलवार चलाई, जिसकी वजह से वो टहनी दो टुकड़ों में बटकर युविका के इधर उधर गिर गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि हर कोई देखता ही रह गया। युविका खड़ी हुई इस घटना को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी व्योम ने उसे समझाया, अगर मेरी ये तलवार वक्त रहते ना चलती तो इस टहनी के नहीं बल्कि तुम्हारे सर के दो टुकड़े हुए होते। अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। युविका कुछ नहीं बोल पाई और खामोशी से वहां से बाहर आ गई। लेकिन युविका के मन में कई सवाल चलने लगे थे। ये व्योम तो रूम के अंदर था ना, फिर उसे कैसे पता चला कि पेड़ की टहनी टूटने वाली है? क्या व्योम के अंदर कोई मैजिकल पावर है? और अगर उसके पास सेकंड ग्रेड है तो फिर उसने इतनी अच्छी तलवारबाजी कैसे कर ली? खुद से बातें करते हुए युविका वहां से जा चुकी थी और यही सवाल महिमा के दिमाग में भी चल रहा था कि आखिरकार व्योम को टहनी के टूटने की आवाज कैसे आई। वहीं दूसरी ओर व्योम के पास इन सभी सवालों के जवाब थे। वो पेड़ इतनी दूर था फिर भी उसकी टहनी के टूटने की आवाज मुझे यहाँ आ गई, लेकिन ये कैसे हो पाया कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरे मैजिकल स्टोन की वजह से ही ये सब हुआ है। उसके बाद व्योम अपने कमरे से बाहर चला गया और धातु के एक पार्ट को खोजने के लिए पूरे आंगन में खोज शुरू कर दी। वो किचन के अंदर गया और फिर कांच, पत्थर के गिलासों और बर्तनों को देखने लगा। फिर उसने घर के पूरे आंगन पर नजर डाली सिवाय घर के तालों को छोड़कर। फिर शीशे में देखते हुए उसने अपने बालों में लगी पिन को खींच लिया और उसके बाल उसकी पीठ पर बिखर गए। फिर उसने नैनोबॉट्स को उस एक पिन को खाने का आदेश दिया और नैनोबॉट ने एक ही झटके में उस पिन को निकल लिया। उसके बाद व्योम ने उसे दूसरी पिन देते हुए कहा, शाबाश, तुमने एक ही पल में ये लोहे की पिन चबा कर निकल ली। लो अब दूसरी भी निकल लो। इससे पता चलता है कि तुम मेरी हर बात मानते हो और तुम्हारी एनर्जी बढ़ाने के लिए तुम लोहा, सिल्वर और बाकी सभी धातुएं खा जाते हो। दरअसल नैनोबॉट किसी भी धातु की बनी चीज को खा लेने में पूरी तरह से एक्सपर्ट थी और वो व्योम के हर ऑर्डर को रोबोट की तरह सुनती थी। दूसरी पिन खाने के बाद व्योम ने अपने बालों को पहले की तरह नैनोबॉट से बने मुकुट जैसे काले पिन से बांध लिया। अभी तक तो सब सही जा रहा है, अगर सब कुछ टाइम पर मिलता रहा तो जैसा मैंने सोचा है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अभी व्योम खुद से बातें ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर उस आंगन के अंदर बने हुए एक हॉल पर गई। वो अंदर चला गया और उसे हॉल में जाने के बाद उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाह, तलवारें, ढाल, भाले और दूसरे हथियार, वो भी एक साथ मिल गया, सब मिल गया। तभी व्योम ने तलवार को अपने हाथ में उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही व्योम उसके पास गया तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली जिससे व्योम का हाथ चलने लगा। लगता है ये सभी हथियार मैजिकल है, इन्हें इनकी परमिशन के बिना नहीं ले सकते।
अब मुझे नैनो बोट को ही ऑर्डर देना होगा। उसके बाद व्योम ने अपने नैनो बोट को ऑर्डर दिया और नैनो बोट ने उस तलवार को कई टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद नैनो बोट ने उसके हर टुकड़े को निकालना शुरू कर दिया। नैनो बोट के ऐसा करते ही उन हथियारों का मैजिक गायब हो गया और सभी हथियार अब व्योम के कंट्रोल में हो गए। व्योम अब काफी खुश था क्योंकि उसे बहुत सारे हथियार मिल चुके थे। थोड़ी देर बाद व्योम ने सभी नैनोबॉट्स को अंदर जमा कर दिया। जिस नैनोबॉट ने तलवार को चबा कर खाया था, व्योम ने उसका मलबा निकाल कर फेंक दिया और फिर अपने सभी नैनोबॉट को वापस अपने रूम में ले गया। अब व्योम को नैनोबॉट पर काफी ज्यादा भरोसा हो चुका था और वो काफी ज्यादा खुश था। नैनोबॉट्स अभी के लिए तो बहुत है, साथ ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ताकत के कारण नैनोबॉट को कंट्रोल करने की कोई सीमा होगी। मैं इन्हें कितना भी अपने हिसाब से चला पाऊंगा, अब मैं उन्हें मात्र मीटर की दूरी भर से भी कंट्रोल में कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ेगी, दूरी भी बढ़ती जाएगी। हाँ, मेरी ताकत बढ़ने के बाद मैं इन नैनो बोट को काफी दूर से भी ऑर्डर दे पाऊंगा। व्योम काफी खुश था और एक्साइटेड भी, लेकिन तभी उसको मार्केट से कुछ सामान लाने का याद आया। अब समय आ गया है कि मैं बाजार जाऊं और वहां जाकर देखूं कि क्या मैं कुछ स्प्रिट स्टोन बना सकता हूं। मुझे इसकी कोशिश करनी चाहिए। मैंने सुना है कि ये सबसे अच्छी कमाई वाले व्यवसायों में से एक है। नैनोबोट्स का यूज करके मैं अब लगभग कुछ भी बना सकता हूँ। व्योम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो नैनोबोट से कुछ भी बना सकता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगा था। उसके बाद उसने वहां की करेंसी स्पिरिट कॉन्टिनेंट ली। उसके तुरंत बाद एवं अपने रूम में से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी महिमा दौड़ती हुई उसके पास आई और फिर उसने व्योम से कुछ सवाल किए। यंग मास्टर, आप मार्केट क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त आपको मार्केट जाने के बजाय यही रहकर आगे की प्रैक्टिस करनी चाहिए। महिमा नहीं जानती थी कि आखिरकार सच्चाई क्या है। वो सिर्फ इस बात को लेकर टेंशन में थी कि ये मास्टर के लिए ये वक्त प्रैक्टिस का है, उस वक्त वो बाजार जा रहे हैं, इसीलिए महिमा कहीं ज्यादा टेंशन में आ गई थी। तुम मेरी जरा सी भी टेंशन मत करो महिमा, मैं जानता हूँ कि प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं उसी के लिए ही बाजार जा रहा हूँ। व्योम का जवाब सुनकर महिमा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी और तभी व्योम ने दोबारा समझाया। देखो महिमा, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारे पास पैसा होना भी तो बहुत जरूरी है, और पैसे के साथ साथ हमारे पास जितने ज्यादा रिसोर्सेस होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बस मैं इन्हीं सभी कामों के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। बोलो, करोगी ना? व्योम ने ये सारी बातें महिमा को काफी अपनेपन से समझाई, जिस वजह से वो व्योम की तरफ इमोशनल होकर देखने लगी। आज से पहले व्योम जब भी महिमा से बातें करता था तो वो ज्यादातर गुस्से में ही बात किया करती थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था जब व्योम महिमा से काफी प्यार से बातें कर रहा था। तो बस यही वजह थी जिस वजह से महिमा की आंखों में आंसू आ गए। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे आपकी टेंशन हो जाती है यंग मास्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर आपकी कितनी ज्यादा दुश्मन है। बस इसीलिए बात बात पर आपको रोक देती हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगती हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि चाहे आप मुझे कितना भी रिस्पेक्ट क्यों ना देते हो, लेकिन हूँ तो मैं आपकी सिर्फ एक सर्वेंट ही ना। महिमा की इमोशनल बातें सुनने के बाद व्योम ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। महिमा जानती थी कि व्योम उसके साथ कभी भी कोई फालतू बात नहीं करता है, इसीलिए वो भी बिना किसी उम्मीद के वापस जाने लगी। लेकिन अगले ही पल व्योम के आगे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और वो फिर महिमा के पास आ गए। महिमा के लिए व्योम को उठाया हुआ ये एक नया स्टेप था, जिसकी वजह से वो व्योम को हैरान होकर देखने लगी। तभी व्योम ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से महिमा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। व्योम बेहद प्यार से, वैसे मुझे तुमको ये कहना था। वैसे सच बताऊं तो मुझे इस तरह से मेरी टेंशन करने वाली और मुझे बात बात पर टोकने वाली सर्वेंट बहुत पसंद है, और मुझे उसके सिवाय और कोई सर्वेंट नहीं चाहिए, समझी तुम? महिमा को इस तरह की बातों की जरा भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए व्योम की बातें सुनकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। तभी अचानक ज्यादा खुश होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ठोकर खाकर वहीं नीचे फर्श पर गिर गया। महिमा जिस तरह से अचानक नीचे गिरी थी उसे देखकर व्योम के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर उसने आगे बढ़कर अपना हाथ महिमा की तरफ बढ़ाया और महिमा व्योम का हाथ पकड़ के बड़ी ही मुश्किल से खड़ी हो गई। एक तो मैं नीचे गिर गई, ऊपर से आप मेरा मजाक बना रहे हो यंग मास्टर, ये तो सही बात नहीं है ना? तभी यश ने देखा कि अचानक से गिरने की वजह से महिमा के सिर पर हल्की सी खरोंच आई थी और एक बाजू पर भी चोट लगी थी। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था महिमा, तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो जो एक सूखे फर्श पर भी गिर जाती है और चोट लगवा लेती है। यहाँ मुझे चोट लग गई है और आप मेरा मजाक बना रहे हैं। उसके बाद व्योम महिमा को वापस घर के अंदर ले आया और फिर उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगा। दवाई लगाने के बाद व्योम ने महिमा से कहा, अब मुझे मार्केट चलना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखना। उसके तुरंत बाद व्योम मार्केट के लिए निकल गया और फिर व्योम एक दुकान के पास पहुंच गया।
वहां वो दिखाई जाने वाली हर तरह की चीजों से भरी हुई एक दुकान को ध्यान से देखने लगा, जहां पर एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी, और व्योम वहां हर सामान को ध्यान से देखने लगा। तभी व्योम की नजर एक किताब पर गई और वो उस किताब की ओर इशारा करते हुए पूछने लगा, ये किताब कितने की है? उस बूढ़े आदमी ने उस किताब पर नजर डाली जिसकी ओर व्योम इशारा कर रहा था। फिर उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपनी भौं उठाई। यंग मास्टर की आंखें बहुत अच्छी हैं। ये एक बहुत प्राचीन किताब है जो मुझे एक गुफा में मिली थी। मैंने सुना है कि इसके अंदर कुछ मैजिकल पावर छिपी है। सुना है कि अगर कोई इसे पढ़ सके तो उसे इसकी पावर्स मिल सकती है। लेकिन तभी व्योम ने बूढ़े आदमी से सवाल किया, जिसे सुनकर वो हैरान हो गया। लेकिन ये तो बताओ कि अब तक आपने कितनी बुक्स बेची हैं? उस बूढ़े फेरी वाले ने अचानक ही जवाब दिया, 512। उस बूढ़े आदमी का जवाब सुनकर व्योम हैरान हो गया, क्योंकि इस जवाब की उम्मीद उसे जरा भी नहीं थी। उसके अलावा वहां पर जो और लड़के खड़े थे वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। तभी बूढ़े फेरी वाले ने किताब उठाई और व्योम को दे दी। ये लीजिए, मेरी ओर से एक है आपके लिए, आप इसे एक्सेप्ट करें। मेरी यंग मास्टर से रिक्वेस्ट है कि आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। मेरी एक बूढ़ी माँ और एक बच्चा है। मैं अपने परिवार में अकेला जवान इंसान हूँ जो बाहर कमाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। व्योम का मुंह फड़क उठा और वो खुद से ही सवाल करने लगा, मुझे हमेशा ऐसी ही चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है? उसके बाद व्योम ने किताब लेकर खोला और उसमें बुनियादी कमियां, टेक्निक और कई इन्फॉर्मेशन देखी। इसके बाद ही अंदर कुछ फर्स्ट रैंक की रेसिपी भी लिखी थी। इसमें जितने भी इलाज के नुस्खे हैं वो सब मुझे सर्टिफाइड लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के हैं, जैसे कि स्पिरिट इकट्ठा करने की गोली, ट्रीटमेंट की गोली, पॉइजन की गोली, पॉइजन के असर को कम करने की गोली। इस शरीर के मालिक ने कबीले के मंडप के अंदर पहले से ही कुछ गोली के नुस्खे पड़े हैं। ये नुस्खे उसकी मेमोरी में मौजूद इलाज से मेल खाते हैं। फिर व्योम ने अपना सिर हिलाया, 10 स्पिरिचुअल पत्थर चुकाए और इसे पढ़ते हुए चला गया। व्योम के जाने के बाद बूढ़े ने अपना पसीना पोंछते हुए व्योम की पीठ की ओर देखा। मैं लगभग मारा ही गया था। लगता है वो इस शहर के कबीले का कोई सरदार होगा। ये डंडी लोग सेटिस्फाइड न होने पर किसी को भी मार देते हैं। वहीं पूरे सड़क के स्टालों से गुजरने के बाद व्योम कुछ हाई क्लास वाले सामान जैसे तलवार और हथियार देखने लगा। फिर वो लेकर उसने उन्हें अपने पास मैजिकल स्टोर में रख लिया और नैनोबोट्स ने उन्हें पलक झपकते ही खा लिया। नैनोबोट्स सब कुछ बहुत जल्दी करता है, इतना कि जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं व्योम की नजर एक नीलामी घर पर गई जो इस कबीले का काफी फेमस घर था। वो हाई क्लास की गोलियां, व्यायाम, ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि मेडिसिन प्लांट्स और बाकी चीजें बेचते थे जिन्हें आप अपने लिए यहाँ से ले सकते थे। व्योम उसके अंदर चला गया और उसके अंदर रखे हुए कई तरह की गोलियां और हथियारों को प्राइस टैग के साथ देखने लगा। उसने रिसेप्शनिस्ट पर नजर डाली और पूछा, क्या आपके पास स्प्रिट इकट्ठा करने की गोली, 3 पंखुड़ियों वाला घास, स्प्रिट घास और स्प्रिट क्लियरेंस के लिए दवा है? रिसेप्शनिस्ट एक दुबली पतली लड़की है जो नीलामी घर की वर्दी पहने हुई थी जिस पर त्रिपाठी फैमिली का निशान है। उसने विनम्रता से सिर हिलाया, हाँ हमारे पास है यंग मास्टर, प्लीज एक मिनट रुके। व्योम को हैरानी हुई कि उसे पहचान लिया गया था। फिर उसे फील हुआ कि उसके कपड़ों की छाती के क्षेत्र पर उसकी फैमिली का मार्क भी है जो लायन कबीले की फैमिली मेंबर्स का है। फिर व्योम ने सिर हिलाया और थोड़ी देर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वो 3 अलग अलग पैकेज लेकर लौटी और उसने उन्हें व्योम को दिया। उसके बाद कीमत बताई, क्या आप मुझे स्प्रे इकट्ठा करने वाली गोलियों की कीमत भी बता सकते हैं और क्या आप उन्हें बाहर से खरीदते हैं? अगर हाँ तो आपका ऑक्शन घर उन्हें कितने में खरीदा है? व्योम ने फिर एक्साइटेड होकर पूछा, जिससे सभी वर्कर्स चौंक गए। फिर रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यंग मास्टर व्योम, हमारा यह हाउस हाई स्पिरिट की गोलियां और मीडियम स्पिरिट के पत्थर बेचता है। जहां तक खरीदने की बात है तो हम कम क्वालिटी वाली गोलियों को छोड़कर किसी भी तरह की गोलियां 80% की कीमत पर खरीदते हैं। इसके अलावा अगर ये खास गोलियां हैं तो हमारा हाउस उन्हें नीलाम कर देगा। व्योम ने सिर हिलाकर थैंक्स कहा और स्पिरिट स्टोन का बिल दिया। फिर तुरंत ही किसी को पता चले बिना उसने उसको गन के अंदर डाल दिया। अभी व्योम खुद के ख्यालों में खोया हुआ ही था कि तभी एक आवाज आई, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं बाहर तीसरे यंग मास्टर से मिलूंगा। मैंने सुना है आपने एक बेकार मार्शल स्पिरिट को जगाया है। एक बदसूरत चेहरे वाला एक जवान लड़का व्योम का मजाक उड़ाता हुआ आया। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो उसे और भी बदसूरत बना रही थी। उसके पीछे कुछ और बेकार से लड़के भी थे। इस आवाज को सुनकर व्योम सड़क के बीच में रुक गया और लड़के के चेहरे को देखने लगा।
जैसा कि उम्मीद थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हीरो बन गया हूँ। खैर, मैं इस चेहरे पर कैसे थप्पड़ मारूं? ये इतना खूबसूरत है कि अब मुझे भागने का मन कर रहा है। ये लड़का लाइन कबीले से नहीं है, बल्कि ये कोबरा कबीले से है। वो वहाँ के तीन कबीलों में से एक है। एक और है फॉक्स कबीला, जिसका लाइन कबीले के साथ हमेशा खराब रिश्ता रहा है। अभी व्योम उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो फिर से कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर व्योम को गुस्सा आने लगा। हम जानते हैं तुम्हारे पापा काफी ब्रेव हुआ करते थे, लेकिन तुम उन पर बिल्कुल भी नहीं गए हो। मुझे 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 तो लगता है कि तुम एक शेर बाप की गीदड़ जैसी औलाद हो जो सिर्फ उनका नाम खराब कर सकती है। अब क्या जवाब देगा व्योम उस लड़के को? क्या व्योम सिखाएगा उसे सबक? इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए सुनिए इसका अगला भाग। उस लड़के ने जैसे ही व्योम को यह कहा कि वो एक शेर बाप की गीदड़ औलाद है, वैसे ही व्योम का ध्यान उस लड़के की तरफ गया। उस लड़के को देखते ही व्योम को याद आ गया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके राइवल कबीले जिसका नाम कोबरा कबीला था, उसमें रहने वाला लड़का जीशान है। अब व्योम अपने राइवल कबीले के लड़के को बिना जवाब दिए कैसे रह सकता था, इसीलिए उसने उसे पलट कर करारा जवाब देते हुए कहा, गीदड़ का तो पता नहीं, पर जीशान मैंने सुना है कि कोबरा कबीले में एक नई ब्रीड का कुत्ता आया है जो सड़क पर आने जाने वाले सभी मुसाफिरों को काटता फिरता है। अभी तक तो मैं ये बात नहीं मानता था, पर आज जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा तो उस बात पर मुझे यकीन हो गया है। जीशान, तुम वास्तव में एक रेयर ब्रीड के जानवर हो। तुम खुद को संभाल के रखा करो, ऐसा ना हो कि इस दुनिया से तुम कहीं विलुप्त ही हो जाओ। व्योम को इस तरह पलटकर वार करते हुए देखकर और करारा जवाब सुनकर जीशान का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल और बैंगनी हो गया। बात यही नहीं रुकी, जैसे ही आसपास खड़े हुए लोगों ने व्योम का जवाब सुना तो वो भी अपने आप को इस पर रिएक्ट करने से रोक नहीं पाए और वहां खड़े हुए सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अरे रेयर ब्रीड का कुत्ता, क्या बात कही है, तुमने तो इसकी बोलती ही बंद कर दी। व्योम तो इस बात से खुश था कि उसने उसके राइवल कबीले वाले को उसकी हरकत के लिए मजा चखा दिया है, और साथ ही साथ जीशान उसकी हरकत पर काफी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो गया। जीशान को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वहां मौजूद लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। इसी सब के चलते जीशान ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए व्योम से बोला, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी वजह से इन सबके सामने मैं एक मजाक बनकर रह गया हूँ, इसका बदला तो मैं तुमसे कभी कभी ना कभी जरूर लूंगा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचते हो। जीशान गुस्से में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा था। उसकी हरकत की शायद उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, पर इन सभी बातों के बारे में बिना सोचे ही उसने वहां खड़े खड़े व्योम को ललकारते हुए तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाया जो उसे लड़ाई करने में मदद करती थी। उसने जैसे ही उसकी मार्शल स्पिरिट को बुलाया वैसे ही उसके पीछे एक भेड़िए की तरह दिखने वाला जानवर दिखाई दिया। यही नहीं, उसके मार्शल स्पिरिट को बुलाते ही वहां चारों ओर एक मार्शल स्पिरिट के आने से तेज चमक फैल गई जिसने वहां मौजूद देखने वालों में से कुछ कमजोर आंखों वाले लोगों की नजर धुंधली कर दी। एक भेड़िए की स्पिरिट और उस स्पिरिट से निकलने वाली चमक दोनों ही बहुत ज्यादा इरेगुलर लगती थी जो जनरली आसानी से नहीं देखी जाती थी। शायद सेकंड ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट के हिसाब से ये सब देखना बहुत ज्यादा डेंजरस लगता था, पर फिर भी व्योम ने राहत की सांस ली और फिर इस तरह लड़ाई की ललकार सुनकर उसके खून में भी उबाल आ गया। पर जीशान की तरह व्योम बिना किसी इरेगुलरिटी के अपनी ताकत में बढ़त महसूस कर रहा था, पर जीशान के मार्शल स्पिरिट को बुलाते ही व्योम को भी अपनी शक्तियों को बुलाना पड़ा। तुमने जैसे ही जीशान की तरफ देखा तो उसने पाया कि जीशान के पीछे वाला भेड़िया जो उसकी मार्शल स्पिरिट था वो जीशान में ही एंटर कर चुका था। जीशान के हाथ भेड़िए के पंजों में बदल चुके थे, साथ ही साथ जीशान का मुंह और दांत भी भेड़िए की तरह बन चुके थे। उसके बाद जीशान ने अपने शरीर को उछाला और भेड़िए की तरह ही व्योम पर हमला कर दिया। जीशान के इस अचानक हमले से व्योम पहले तो थोड़ा घबरा गया, पर अगले ही पल उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को भी जीशान से लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। व्योम ने जैसे ही अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाया तो उसके हाथों में अचानक ही एक मैजिकल स्टोन आ गया, न्यू सिस्टम को जीशान के पंजे की तरफ फेंक दिया। जीशान ने जैसे ही उसे स्टोन को अपनी तरफ आते देखा तो उसने व्योम से कहा, मुझे पता था कि तुम बेवकूफ हो, पर तुम इस कदर के बेवकूफ निकलोगे ये मैंने नहीं सोचा था। गौर से देखो, मेरे पंजे लोहे के भी मिट्टी की तरह टुकड़े कर देते हैं, और तुम्हें लगता है कि मुझे ये स्टोन हरा देगा? हाँ, कुछ देर रुक जाओ, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि मेरा ये स्टोन क्या कर सकता है। जीशान को अपनी मार्शल स्पिरिट पर घमंड था और व्योम को अपने उस मैजिकल स्टोन पर यकीन। व्योम जानता था कि उसने जो कुछ भी किया है वो जीशान को हराने के लिए काफी था,
व्योम का फेंका हुआ मैजिकल स्टोन जैसे ही जीशान के पंजों से टकराया, वैसे ही जीशान के अंदर की मार्शल स्पिरिट एक ही पल में गायब हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसने लड़ाई के लिए जिस आत्मा को अपने अंदर बुलाया था वो अचानक कहाँ चली गई। पर बात यहीं नहीं रुकी। मैजिकल स्टोन से जीशान के पंजों के टकराने के बाद जीशान का चेहरा भी दर्द और तकलीफ के एहसास में बदल गया और उसके पंजों से भी खून की एक तेज धार बहने लगी। ये देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान थे और व्योम चुपचाप खड़े होकर उसके और जीशान के बीच गोल गोल घूमते हुए मैजिकल स्टोन को देख रहा था कि अचानक जीशान उससे बोला, आई कांट बिलीव दिस, तुम्हारा ये कांच का दिखने वाला एक स्टोन मेरे इन पंजों को कैसे घायल कर सकता है। जीशान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ये वार खाली चला गया है। वो व्योम से काफी ज्यादा नाराज था और अपनी इस नाराजगी के चलते उसने उसके दूसरे पंजे से फिर से व्योम पर हमला कर दिया। जीशान ने हमला करते ही व्योम ने फिर से पिछली बार की तरह एक स्टोन जीशान की तरफ फेंक दिया। इस बार ये स्टोन व्योम के फेंकने के बाद से जीशान की तरफ जाते जाते अपने आकार में बड़ा होने लगा और पिछली बार की तरह ही वो स्टोन सीधा जाकर जीशान के पंजे से टकराया और फिर जीशान ने दर्द कराते हुए से कहा, तुम कब तक इस खोल के पीछे छिपते रहोगे व्योम? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, तुमने मुझे कब छुपते हुए देखा? जैसे ही व्योम ने ये कहा तो जीशान ने देखा कि व्योम उसे ठीक बगल में आ चुका है। इसके बाद व्योम ने बिना देर करते हुए जीशान के चेहरे पर एक मुक्का जोरों से जड़ दिया जिससे जीशान का चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया और व्योम ने ये मुक्का इतना ज्यादा फोर्सफुली उसे मारा था कि इसकी ताकत से जीशान उड़कर दूर जा गिरा। जीशान की नाक से खून निकल रहा था और देखते ही देखते कुछ पलों में वो बेहोश हो गया। व्योम ने उन मैजिकल स्टोन को वापस अपने पास बुलाते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को सुला दिया और फिर जीशान की तरफ देखते हुए कहा, यूजलेस स्पिरिट, यही कहा था ना तुमने, देखो अब यही यूजलेस स्पिरिट ने किस तरह तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को चकमा चखा दिया। इतना कहकर व्योम ने जैसे ही आसपास खड़े हुए लोगों की तरफ देखा तो वो सभी व्योम से बहुत ज्यादा डर चुके थे और अपने इसी डर के चलते सभी लोग उससे पीछे खड़े हो गए। धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोग अपने कदम पीछे करते हुए वहां से जाने लगे जिसे देखकर व्योम ने कहा, यूं अकेले अकेले कहां जा रहे हो? अपने साथ इस जीशान को भी लेकर जाओ और जब ये होश में आ जाए तो उससे कहना कि ये सही में कुत्ते की ब्रीड का है और इस बात के लिए इसे अपने डैड से कंप्लेंट करनी चाहिए और उन्हें हमारे कबीले में लेकर आना चाहिए। जीशान को बुरी तरह चकमा चखाने के बाद व्योम मुड़ा और उसकी फैमिली की तरफ चल पड़ा। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हैरत और डर के एहसास फैल गए। किसी ने भी व्योम का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। वहीं दूसरी तरफ वहां रहने वाली त्रिपाठी फैमिली के घर में एक प्राइवेट कमरे के अंदर युविका और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली एक लड़की बैठी हुई थी। वो दोनों वहां बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। इस वक्त अगर व्योम वहां होता तो उस लड़की को वो पहचान लेता कि ये कोई और नहीं बल्कि विशाखा है। विशाखा का चेहरा गोल और किसी बच्चे की तरह सॉफ्ट था। उसके सिर के पीछे लंबे बालों की एक मोटी चोटी थी। विशाखा अपने चारों ओर हमेशा ही एक खुशनुमा माहौल बनाए रखती थी, शायद ऐसी उसकी मार्शल स्पिरिट की वजह से था। विकास से बातें करते समय विशाखा के चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान झलक रही थी। यही नहीं, व्योम के अंदर जिस इंसान की आत्मा है उसके पिछले शरीर के मालिक का भी विशाखा पर क्रश था, लेकिन उसने कभी भी अपनी फीलिंग शेयर करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उसने सिर्फ उसे एक बार देखा था और वो भी एक साल पहले, और उस समय व्योम के अंदर की वो आत्मा ही नहीं बल्कि उनके शहर के सभी लोग विशाखा की मोहब्बत में पड़ चुके थे। इसी बीच युविका और विशाखा जब बात कर रही थी तो एक सर्वेंट अंदर आया जिसे देखकर विशाखा की मुस्कान गायब हो गई और उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ कमरे में बातें कर रही होती हूँ तब मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अब कहो भी क्यों आए हो यहाँ या यूं ही मेरा मुंह ताकते रहोगे? इस तरह विशाखा के चिल्लाने से वो सर्वेंट थोड़ा सहम सा गया और वो यूं ही डरते हुए विशाखा से बोला, मिस विशाखा मुझे माफ करें पर लगता है कि हमारी बिल्डिंग से बाहर किसी का झगड़ा हुआ है। मुझे ये स्टाफ ने बताया, आपको इस बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस बात की खबर देने यहाँ आ गया। झगड़ा? आखिर कैसा झगड़ा और ये झगड़ा हुआ किन किन लोगों के बीच है? सुनने में आया है कि ये झगड़ा कोबरा कबीले के जीशान और लायन कबीले के व्योम के बीच हुआ है। सर्वेंट ने जैसे ही विशाखा को व्योम के झगड़े के बारे में बताया तो विशाखा युविका की तरफ आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। विशाखा की सिचुएशन को समझते हुए युविका ने कहा, ये व्योम वही है जिसके बारे में अभी हम बातें कर रहे थे? वो एक बिल्कुल ही यूजलेस मार्शल स्पिरिट का ओनर है जिसकी स्पिरिट किसी भी काम की नहीं है। अगर उसकी मार्शल स्पिरिट किसी भी काम की नहीं है तो कोबरा कबीले के जीशान ने तो उस व्योम को बुरी तरह से पीट पीट कर हरा दिया होगा। नहीं मिस विशाखा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है?
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे उस झगड़े का रिजल्ट क्या हुआ? विशाखा और युविका दोनों ही अपने अंदर ये मेंटालिटी बनाकर बैठी थी कि इस झगड़े में व्योम ही हारा होगा, पर जैसे ही सर्वेंट ने ये बताया कि ऐसा नहीं है तो उन्हें उसका ऑब्जर्वेशन गलत साबित होता दिखाई दिया, जिसके चलते विशाखा युविका दोनों ही ये बात जानने के लिए काफी क्यूरियस थी कि आखिर झगड़े का रिजल्ट क्या हुआ है। सर्वेंट भी उन दोनों की एक्साइटमेंट समझ चुका था, इसीलिए उसने जवाब देते हुए कहा, मिस विशाखा, इस झगड़े में व्योम जीत गया। दरअसल उसने जिशान को ऐसा मुक्का मारा कि उसका एक मुक्का ही जिशान के लिए नॉकआउट पंच साबित हो गया और जिशान उसके एक बार हमला करने पर ही बेहोश हो गया। जिशान के बेहोश होने और व्योम की लड़ाई जीतने की खबर बताने के बाद सर्वेंट वहां से चला गया। युविका और विशाखा दोनों ही ये बात सुनने के बाद एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। यूं ही युविका की तरफ देखते हुए विशाखा ने युविका से कहा, हम जिस व्योम को बेकार, यूजलेस और किसी काम का नहीं कह रहे थे, वो पहले ही मार्शल स्पिरिट के ग्रेड 2 पर था और हम लोग उसे कमजोर और निठल्ला समझ रहे थे। विशाखा की ये बात सुनकर युविका तैश पर आ गई। दरअसल विशाखा का व्योम की तारीफ करना युविका को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से की आग में जलते हुए विशाखा को जवाब दिया, वो व्योम चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर वो हमारी जगह पर कभी नहीं पहुंच सकता। मार्शल स्पिरिट इस जगह की और इस जगह के लोगों की असलियत है और वो व्योम कभी भी कुछ भी करके हम में से एक नहीं बन पाएगा। मैं सिर्फ एक ही दिन में थर्ड ग्रेड की मार्शल स्पिरिट पर पहुंच चुकी हूँ, और रही बात उस व्योम की, तो वो अपने सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड में साल भर कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंच पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये बात कहते हुए युविका की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बिना झिझक के इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कह रही थी जैसे वो किसी फैक्ट को बता रही हो। विशाखा ने भी ज्यादा बहस नहीं करने की सोची और युविका की हाँ में हाँ मिला दिया। इसके बाद वो लोग दूसरे टॉपिक पर बातें करने लगे। इसी बीच चलते चलते व्योम भी अपने घर में वापस लौट आया था। घर के अंदर जाते ही उसकी मार्शल स्पिरिट को मैजिकल स्टोन पर बुलाया। इसके बाद वो बड़े गौर से मैजिकल स्टोन के अंदर से सामान को देख रहा था और यूं ही देखते देखते उसने मैजिकल स्टोन के अंदर मौजूद सामान को बाहर निकाल लिया। उसने जैसे ही ये किया, सारे कमरे में एक मेडिसिन सी स्मेल फैल गई। इस खुशबू के चलते ही व्योम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने खुद से कहा, अब इन गोलियों को थोड़ा रिफाइन करके इन्हें बेचकर पैसा कमाने का समय आ गया है। इतना कहते ही व्योम उन मेडिसिन के फॉर्मूले को देखने लगा। उसके बाद उसने उन गोलियों के रॉ मटेरियल से तीन तरह के सामान उठाए और फिर उन तीनों सामानों को पीस कर तीन अलग अलग टाइप के लिक्विड बनाए। इसके बाद उसने उन तीनों लिक्विड को अलग अलग बर्तन में गर्म किया। गर्म हो जाने के बाद उसने उन्हें फॉर्मूले में लिखी क्वांटिटी के हिसाब से मिलाया। लिक्विड्स को मिलाने के बाद व्योम ने उसके नैनोबॉट्स को बुलाया और उन्हें सारी मेथड्स समझाकर मेडिसिन बनाने को बोला। इसके बाद नैनोबॉट्स ने आपस में जुड़कर खुद से ही एक कटोरा बनाया और इन लिक्विड्स को उस कटोरे में रख दिया। तीन लिक्विड के हिसाब से नैनोबॉट्स तीन अलग अलग कटोरे बनाए। तीनों लिक्विड्स का कलर अलग अलग था। नैनोबॉट्स हरे, सफेद और ब्राउन रंग के लिक्विड का कटोरा बनाकर खुद में स्टोर करे बैठे थे। जब उन बॉट्स में पूरी तरह से वो लिक्विड भर गया तो वो दो परतों वाले मोती की तरह दिखने वाले स्टोन में बदल गए और इतना होते ही नैनोबॉट्स जमीन पर तेजी से घूमने लगे। व्योम अभी भी सारे बॉट्स को कंट्रोल कर रहा था। इस तरह गोल घूमने से सारे बॉट्स में गर्मी पैदा हो गई। गर्म होते ही सारे नैनोबॉट्स एक दूसरे में समा गए और इस तरह वो 100 गोलियों में बदल गए, जिसे देखकर व्योम बोला, मुझे पूरा यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ और वही हुआ। नैनोबॉट्स की मदद से इन मेडिसिन को रिफाइन किया जा सकता है। शुक्र है कि मैं पिछले जन्म में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी और मैथ्स का भी अच्छा खासा नॉलेज हासिल कर लिया था, जिस वजह से मुझे इस जन्म में इन सब एक्सपेरिमेंट्स को करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। और तो और, मैंने इन मल्टी फंक्शन नैनोबॉट्स को डिजाइन करना भी सीख लिया, जो सभी सेक्टर में मेरी मदद कर सकते हैं। इन सब की मदद से मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। व्योम अपनी नॉलेज को लेकर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। उसे उसके नैनोबॉट पर भी काफी ज्यादा यकीन था। और यही सब कहते कहते उसने उन 100 गोलियों को फिल्टर करना शुरू कर दिया। उनमें से 23 गोलियां टॉप लेवल की और 63 गोलियां हाई लेवल की थी। बाकी बची हुई 14 गोलियां मीडियम लेवल की थी। गोलियों में एक भी गोली लो लेवल की नहीं थी। सफेद बादलों की तरफ रखकर देखते हुए बोला, ये बिना किसी इंप्योरिटी के एक टॉप लेवल की पिल है। जितना मैंने सोचा था इन पिल्स को रिफाइन करना, उससे भी कहीं ज्यादा आसान निकला। बस इसे गर्म करके सभी सामान को सही प्रोपोर्शन में मिलाना था और बनकर तैयार है स्प्रिट की ये पिल्स। व्योम अपने पैरों को क्रॉस करके बैठे हुए इन पिल्स को देखे जा रहा था। इसके बाद उसने हाथ में पड़ी हुई उस सफेद गोली को खा लिया। गोली खाने के बाद ही उसके मैजिकल स्टोन के अंदर की स्पिरिट व्योम की हथेलियों में आकर बैठ गई थी। व्योम उसे स्पिरिट को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज कर रहा था। उस स्पिरिट की पावर इतनी ज्यादा ठीक है
उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और उसकी आंखों की पुतलियां चौड़ी होने लगी थी। इतने में ही पीछे से आवाज आई, पर इसके बाद भी उपयोग को ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उसे मेडिसिन के अंदर भरे हुए इंग्रेडिएंट्स उसे राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। आपने फिफ्थ ग्रेड की मशाल स्प्रिट को पा लिया है। व्योम को फिफ्थ ग्रेड में पहुंचने के बाद भी उन मेडिसिन में आधे से ज्यादा ताकत बची थी, इसीलिए अभी हमने अपनी मेडिटेशन बंद नहीं की और पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस स्पिरिट को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज करने लगा। देखते ही देखते थोड़ी देर में उसकी आंखें फिर से चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में स्वर्ग और पृथ्वी की चमक से ज्यादा चमक आ गई थी। उसकी आंख से निकलती लाइट को देखना बहुत डरावना लग रहा था। इसी तरह कुछ घंटों तक लगातार एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद उसका शरीर फिर से कांपने लगा। उसके पूरे शरीर की हड्डियों में पॉपिंग की आवाजें फैल गईं। उसकी स्किन से भी गहरा पसीना निकल आया और उसके स्किन की लेयर पर काली पपड़ी जम गई, जिससे उसके पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई। पर इसी के उन नैनोबॉट्स की एक बार फिर से आवाज आई, आपने सिक्स ग्रेड की मार्शल स्प्रिट को पा लिया है। क्या स्प्रिट को मेडिटेशन के जरिए कंट्रोल करना और उसे एक के बाद एक लेवल्स पर रिवॉल्व करना इतना आसान है? खुद से ये सवाल पूछते हुए व्योम के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, पर उसके सारे डाउट्स उस समय खत्म हो गए जब उसने अपने अंदर सिक्स्थ लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की पावर्स को महसूस करना शुरू किया। फर्स्ट लेवल से लेकर थर्ड लेवल तक के मार्शल आर्टिस्ट के पास अपनी पावर्स से स्किन और मसल्स को हार्ड करने की कैपेसिटी होती है। फोर्थ से लेकर सिक्स्थ लेवल तक के मार्शल आर्टिस्ट के पास हड्डियों और नर्वस सिस्टम को सारी इंप्योरिटी मिटाकर क्लीन करने की कैपेसिटी होती है। सेवेंथ से नाइन्थ लेवल तक के मार्शल आर्टिस्ट के पास इंटरनल ऑर्गन को क्लीन करने, खून में बदलाव लाने और उसके सभी सिक्स्थ सेंसेस की पावर को बढ़ाने की कैपेसिटी होती है। आखिर में टेंथ लेवल आता है। इस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के पास उसकी सोल या आत्मा की इंप्योरिटी को क्लीन करने की कैपेसिटी होती है। लाखों में से सिर्फ एक ही मार्शल आर्टिस्ट टेंथ लेवल तक पहुंच पाता है। लाखों में कोई एक टैलेंटेड ही अपनी स्पिरिट इतनी पावरफुल बना पाता है, और इसी तरह कई सालों की तपस्या के बाद कोई एक मार्शल आर्टिस्ट ही सबसे पवित्र होली इमॉर्टल बॉडी को हासिल कर पाता है। क्या व्योम अपने सफर में टेंथ लेवल पर पहुंचकर ऐसा मार्शल आर्टिस्ट बन पाएगा जो एक इमॉर्टल बॉडी को कैरी करेगा? जानने के लिए क्या इस तरह स्पिरिट को कंट्रोल करना और उसके ग्रेड को बढ़ाना मेरे लिए इतना आसान हो जाएगा? मेरे हाथों पर घूमता है नैनोबोट, क्या मुझे इस दुनिया का अब तक का सबसे काबिल मार्शल आर्टिस्ट बनाने में कामयाब हो पाएगा? खुद से खुद ही इन्हीं सब बातों को करते करते व्योम के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। उसकी भौंस सिकुड़ गई, उसकी आंखें अचानक ही बड़ी हो गई, क्योंकि वो अपनी हथेली से थोड़ा ऊपर उन मैजिकल स्टोन को तैरते हुए और घूमते हुए देख रहा था। और उसी मैजिकल स्टोन को देखते देखते उसके मन में ख्याल आया और क्यूरियस होकर उसने एक बार फिर खुद से पूछा, क्या ये मेरे नैनोबोट्स और मैजिकल स्टोन स्प्रिट के एक साथ काम करने की वजह से हुआ है? मैं अपनी नैनोबोट स्प्रिट के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरी मैजिकल स्टोन स्प्रिट शायद सुपर मार्शल स्प्रिट से भी बढ़कर है। इसी के चलते मुझे इतनी बेहतर और अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, क्योंकि जिस काम को करने में लोगों को महीने और सालों लग जाते हैं वो मैंने बस कुछ ही पलों में कर दिखाया है। व्योम इस सबको देखकर जिस नतीजे पर पहुंचा था, वहां उसे अनसर्टेनिटी की फीलिंग ने घेरे हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जैसा वो सोच रहा है वैसे वो पूरी तरह से सही है या गलत। वो इसी सब में डूबा हुआ था कि अगले ही पल अचानक एक बहुत तेज बदबू ने आकर उसके होश उड़ा दिया, जिसे स्मेल करने के बाद वो अजीब सी घिन की फीलिंग्स के साथ भौंहें सिकोड़कर आड़े तिरछे मुंह बनाने लगा। इसी बीच उसका ध्यान उसकी बॉडी पर गया और फिर उसकी आंखें अचानक ही हैरानी से चौड़ी हो गई। उसका ध्यान उसकी बॉडी पर गया तो उसने अपनी बॉडी पर एक काली पपड़ी देखी, जिसे देखकर वो जल्दी से पानी की ओर भागा और फिर पास में ही बने एक तालाब में उसने डुबकी लगा दी। उस तालाब का पानी उसे काफी राहत दे रहा था और उस सूदिंग वाटर में डुबकी लगाने के बाद वो रिफ्रेश्ड महसूस करने लगा। उसे मैजिकल स्टोन से निकलने वाली एनर्जी और स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए की गई एक्सरसाइज ने उसकी बॉडी की डेड स्किन सेल्स को पूरी तरह से जला दिया था। इसके बाद वो जैसे ही पानी में कूदा तो पानी ने उसकी बॉडी से उसकी जली हुई स्किन की काली लेयर को हटा दिया। उसकी स्किन अब एक नई चमक के साथ पहले से भी ज्यादा ग्लो कर रही थी। वो अपनी बॉडी में आए चेंजेस को देखे बिना नहीं रह सका। उसे अपनी बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के चेंजेस नजर आ रहे थे। स्किन के ग्लो के साथ साथ उसकी मसल्स जो पहले छिपी हुई थी वो अब अधिक प्रोमिनेंट होकर नजर आने लगी थी, जिससे उसे स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का एहसास हो रहा था।
तालाब से निकलने के बाद मिरर के सामने खड़े होकर वह उसकी बॉडी पर बनी मसल्स के कट्स को निहार रहा था और अपने सामने प्रेजेंट खुद के रिफ्लेक्शन को देखकर सेटिस्फेक्शन से सिर हिला रहा था और साथ ही साथ वो उसकी मेड महिमा को वहां बेड पे फैला हुआ मैस साफ करते हुए देख रहा था। महिमा ने जैसे ही पलट कर व्योम को देखा तो वो पूरी तरह से चौंक गई। व्योम सिर्फ बाथरोब पहने हुए उसके सामने खड़ा था। व्योम को इस हालत में देखकर महिमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसने उसके हाथों से उसकी आंखों को ढक लिया। वह पहले तो व्योम को नहीं देखना चाह रही थी लेकिन फिर अपनी ढकी हुई आंखों से वो उसकी फिंगर्स के बीच गैप बनाकर खाली जगह से झांक कर उसे देखने लगी। महिमा की इस हरकत से पहले तो व्योम थोड़ा परेशान हो गया मगर फिर उसने सोचा और मन ही मन खुद से कहा, ये मेड मुझे काफी अजीब तरह से घूरे जा रही है। माना कि मैं 22 साल का हो चुका हूँ और मैं एक एडल्ट हूँ, पर इससे ये तो नहीं हो सकता कि इसका नजरिया मेरे लिए बदल गया हो। हो सकता है कि ये मेरी बॉडी के चेंजेस को देखकर अट्रैक्ट हो रही हो। मैं भी कितना पागल हूँ, कुछ भी सोचने लगता हूँ। हो सकता है कि ये सिर्फ अपना काम कर रही हो, मुझे इस हालत में देखकर चौंक गई हो। व्योम ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर अपने सिर को हिलाकर ऐसे फालतू के ख्यालों को उसने अपने माइंड से निकाल दिया। अभी वो इन सब बातों को भूलकर नॉर्मल हुआ ही था कि महिमा ने बहुत ही प्यार भरे लहजे में उससे कहा, यंग मास्टर, पता नहीं कैसे पर अचानक ही आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। अचानक आपकी बॉडी और फेस बहुत ज्यादा बदल गया है। ये कहते हुए महिमा की आंखें बिल्कुल ही व्योम की बॉडी पर टिकी हुई थी और महिमा का चेहरा हैरानी और व्योम के लिए अट्रैक्शन के चलते गुलाबी हो जा रहा था। व्योम ने महिमा की ये हालत देखकर उसके साथ थोड़ा मजाक करने की सोची। व्योम ने सरकास्टिक तरीके से उसकी तरफ देखा और उसको चिढ़ाते हुए बनावटी गुस्से के साथ बोला, एक सेकंड, तो तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैं पहले खूबसूरत नहीं था और अभी हो गया हूँ, है ना? व्योम ने जिस अंदाज में ये बात कही उसे सुनकर महिमा का चेहरा गुलाबी से बिल्कुल पीला पड़ गया। महिमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ भी व्योम की तारीफ करते हुए उससे कहा था उसका इस तरह गलत मतलब भी निकाला जा सकता था। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि उसने कुछ गलती कर दी है और व्योम उसे उस गलती के लिए उस पर गुस्सा करेगा, ये सोचकर ही महिमा की आंखें आंसुओं से तर बतर भीग कर नम हो गई। उसने बिल्कुल दबी हुई आवाज में बहते हुए आंसुओं के साथ व्योम से कहा, ये मेरा मतलब नहीं था यंग मास्टर कि आप पहले खूबसूरत नहीं थे। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि आज आप कुछ अलग ही लग रहे हैं। आज आपकी खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हुई नजर आ रही है। आप प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे छोड़ना मत। व्योम महिमा की हालत देखकर बेहद शॉक्ड हो गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिलहाल तो वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि ये लड़की इस तरह रो क्यों रही है और इसे किसने कहा कि मैं इसे छोड़ दूंगा। उसे रोता हुआ देख व्योम को उसकी गलती का एहसास हुआ और वो मन ही मन सोचते हुए खुद से बोला, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिया है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं यहाँ पिछले जन्म के जोक्स नहीं बोल सकता और मैं उसे इस तरह से नहीं चढ़ा सकता। इस सिविलाइजेशन में मेड्स एक बार किसी से बंध जाती हैं तो उनके लिए उनसे अलग होना मौत के बराबर होता है। साथ ही साथ मेड्स और मालिक का रिश्ता इतना सीरियस होता है कि वो जोक्स भी नहीं समझती। इतना कहने के बाद व्योम ने महिमा का चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी आंखों से लगातार बह रहे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा और फिर व्योम महिमा को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और उससे बोला, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम फिक्र मत करो। और मैं अपनी प्यारी मेड को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सिर्फ मजाक में कहा था और मेरा वो गुस्सा भी सिर्फ दिखावा था। तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इस तरह व्योम को अपने इतने करीब पाकर महिमा शर्मा गई। उसे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि व्योम ने उसे छुआ है। वो इस सब को किसी हसीन ख्वाब की तरह देख रही थी और जैसे ही जीवन ने उसे प्यारी मेड कहा तो ये सुनकर उसके चीक्स ब्लश करने लगे और उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान फैल गई। इसके बाद वो उसके ब्लश करते हुए गुलाबी चेहरे के साथ बोली, यंग मास्टर, आप बहुत बुरे हैं। आपने जो किया वो गलत किया। मैंने जो किया वो गलत किया? अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि जो मैंने कहा वो गलत कहा? इसका मतलब है तुम कह रही हो कि तुम मेरी प्यारी नहीं हो। महिमा ने जब ये महसूस किया कि उसने गलत बोल दिया तो उसके बाद उसके पास अपनी बात को पलटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने व्योम से माफी मांगते हुए जल्दी से जवाब दिया, आप मुझे माफ कीजिए मास्टर, पर आप फिर से गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसने व्योम के चेहरे पर छेड़छाड़ भरी मुस्कान देखी और शर्म से सिर झुका लिया। अब तक महिमा समझ चुकी थी कि व्योम ये सब जानबूझकर बार बार कर रहा है और व्योम को भी उसे इस तरह छेड़ने में मजा आ रहा था, इसीलिए वो भी अपने रवैये को बदलना नहीं चाहता था। उन दोनों के बीच इसी तरह हंसी मजाक चल रहा था कि इसी बीच महिमा ने व्योम की ही शिकायत करते हुए व्योम से कहा, मैं समझ रही हूँ यंग मास्टर, आप जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं। ना जाने आपको ऐसा करने से क्या मिल रहा है, पर मुझे आपकी इस तरह की छेड़छाड़ से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अच्छा बाबा, ठीक है, अब मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा।
पर मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी ब्लैक शर्ट निकाल कर आयरन कर दो, मुझे उसे पहनकर कहीं जाना है। ओके यंग मास्टर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपकी शर्ट आयरन करके लाती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त है। अगर तुमने 5 मिनट में ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। व्योम ने जैसे ही ये बात कही तो एक पल के लिए तो महिमा फिर से घबरा गई। व्योम ने उसके शर्मिंदा चेहरे को देखकर फिर से मजाक में सिर हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसना देखकर महिमा मुंह बनाकर वहां से चली गई। माँ के जाने के बाद उसने अपनी नई पावर्स और शरीर की मसल्स के साथ साथ नब्स को भी जांचा, जो अब उसके शरीर में बहती हुई नदियों और झरनों की तरह महसूस हो रही थी। इसके बाद उसने अपनी मार्शल चमक को देखा तो वो उसे हद से ज्यादा चमकदार और श्रिंक होती दिखाई दी। व्योम ने इसके बाद इस एवोल्यूशन के बाद खुद को सही तरीके से प्रैक्टिस करके ट्रेन करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा, लगता है मुझे अपने कबीले के मार्शल आर्ट्स पवेलियन में जाकर एक अलग एक्सरसाइज और टेक्निक ढूंढनी होगी जो मुझे औरों से बेहतर बनाने में और मेरी हर एक लड़ाई जीतने में मेरी मदद कर सके, और मुझे जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देना है। आसानी से मिलने वाले स्वर्ग और इस पृथ्वी पर मौजूद सारी चमक को अगर स्प्रिट की चमक से कंपेयर करें तो दुनिया की ये सारी चमक आत्मा की चमक के आगे बहुत कमजोर है। महिमा, तुम घर पर ही रहकर घर की देखभाल करो, मैं पवेलियन जा रहा हूं, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, तब तक तुम यहां रहकर ये गेम्स खेलकर अपना टाइम पास कर सकती हो। व्योम का ऑर्डर सुनकर महिमा ने हां में सिर हिलाया और वहां रुककर उसके घर की देखभाल करने लगी। उसके बाद व्योम घर से निकल गया। अब वो 6th ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन सही तरीके से सही आर्ट और टेक्निक सीखे बिना वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता था। वो अपने बराबर के सभी कॉम्पिटिटर्स से तो लड़ सकता था और उन्हें हरा भी सकता था। उसे अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाना था, जिसके चलते उसे हर रोज एक नहीं और बड़ी चुनौती की जरूरत थी, जिनसे लड़कर वो अपने आप को आने वाली हर मुसीबत के लायक बना सके। बस इसी के लिए वो पवेलियन जा रहा था। पवेलियन में कई मार्शल आर्टिस्ट और खिलाड़ी थी जिन्हें सीख कर उनकी पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यही सब सोचते सोचते व्योम मार्शल पवेलियन की तरफ बढ़ा जा रहा था। यूं ही चलते चलते उसने मन ही मन में खुद से पूछा, मैं 6th ग्रेड में पहुंच तो गया हूं, यहां पहुंचने के बाद मेरे मार्शल आर्ट्स में किस किस तरह की क्वालिटी होगी। व्योम के सवाल का जवाब ना तो व्योम के पास था और ना ही किसी और के पास। इसका जवाब पाने के लिए उसे एक्सरसाइज और मूव्स ट्राई करके खुद की शक्तियों को जांचना था। इसके बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंच सकता था कि उसके पास किस तरह की क्वालिटी है। यही सब सोचते सोचते व्योम मार्शल पवेलियन के अंदर पहुंचा, जहां उसने देखा कि आसपास के अलमारी के सारे शेल्फ येलो ग्रेड की टेक्निक्स की बुक और थीसिस फाइलों से भरे पड़े हैं। वहां उसने सफेद और पेट तक आई हुई लंबी दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी को देखा, जो कुर्सी पर बैठकर कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर आराम कर रहा था और एक आम से दिखने वाले बूढ़े आदमी की तरह ही दिख रहा था। पर जैसे ही व्योम ने उसे गौर से देखा तो उसे कुछ ध्यान आया और उसने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, ये बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी तो हमारे कबीले के छुपे हुए मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट में से एक है। शायद ये ओल्ड मैन एक इंटरनल फाउंडेशन स्पेशलिस्ट जो 0 लेवल से मार्शल आर्ट सिखाते हैं। इतना कहकर व्योम एक्सरसाइज टेक्निक्स की किताबों से भरे शेल्फ की ओर बढ़ा। शेल्फ पर पहुंचने के बाद उसे ध्यान आया कि कबीलों के नियमों की माने तो एक बार में सिर्फ एक एक्सरसाइज और 2 टेक्निक ही ले सकता हूं, और ये मेरे हिसाब से बहुत कम है। मुझे किसी ना किसी से बात करके इस लिमिट को बढ़ाना होगा ताकि मेरी ट्रेनिंग में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना सके और मैं दिन पर दिन एक नए लेवल पर जाकर अपने आप को ट्रेन कर सकूं। शेल्फ में पहुंचकर जैसे ही व्योम ने एक्सरसाइज और टेक्निक्स के उन डिस्क्रिप्शन को उठाया तो उसे देखकर वो बहुत ज्यादा निराश हो गया। वो यहाँ जिस चीज के लिए आया था वो तो उसे वहां मिली ही नहीं, बल्कि वहां सब कुछ लो लेवल की एक्सरसाइज के बारे में ही लिखा था, जिसे देखकर व्योम ने मन ही मन सोचा, मेरा यहाँ पर आना भी बेकार साबित न हो जाए। हाँ, तो बस लोअर लेवल की एक्सरसाइज और फाइटिंग मूव्स के बारे में बताया गया है। यहाँ एक भी मॉडरेट और टॉप लेवल की एक्सरसाइज फाइटिंग मूव्स के बारे में बताने वाला कंटेंट तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। व्योम अभी इतना सोच ही रहा था कि उसकी नजर शेल्फ के कोने में पड़ी एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसने उस किताब को उठाया, उसकी धूल हटाई और फिर उसके टाइटल और इंडेक्स को देखने लगा। फिर उसके बाद इंडेक्स में लिखे हुए टॉपिक को पढ़ने लगा। स्प्रिट बॉडी फॉर्जिंग आर्ट, ये स्वर्ग और पृथ्वी की ऑरा को कंडेंस एंड कंप्रेस कर सकता है, हर एक मार्शल आर्टिस्ट के ग्रेड को दुगना कर सकता है और 10th ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट को एक इंटरनल ऑरा दे सकता है। लेकिन इसकी खामी यह है कि यह एक नॉन एट्रीब्यूट एक्सरसाइज है और इसे हर बार परफॉर्म करने से पहले एक अनइमेजिनेबल हेवन और पृथ्वी के बीच के ऑरा की जरूरत पड़ती है, और जन्म से मिले हुए लिमिट को अपग्रेड करने में इस एक्सरसाइज में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। व्योम अपने मैजिकल स्टोन और नैनो बॉट्स की बदौलत
उसकी बॉडी को उस लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो गया था जो किसी भी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के लिए इतना इजीली पॉसिबल नहीं था। इसीलिए व्योम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि वो इस तरह की नॉन एट्रीब्यूट एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए वो उस किताब की कठिन एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ने लगा। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज दो तरीके से काम करती है और इसे परफॉर्म करने वाले को एक स्पेशल फिजिक देती है, चाहे वो फिजिक इंटरनल ही क्यों ना हो। अब इस तरह की स्पेशल फिजिक को भला कौन नहीं हासिल करना चाहेगा। व्योम इस एक्सरसाइज और उसके रिजल्ट से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। उसने उसमें से दो टेक्निक्स चुनी। इसमें से पहले थी फेदर स्टेप्स और दूसरी थी नाइन इको फिस्ट। इसके बाद उसने जैसे किसी लाइब्रेरी से वो किसी करने के बाद उसे रजिस्टर कराया जाता है, वैसे ही इन टेक्निक्स और एक्सरसाइज को इश्यू करके वहां बैठे बूढ़े आदमी के पास जाकर रजिस्टर कराया। उसकी एक्सरसाइज को देखकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कि तुमने इस एक्सरसाइज को चुना, फिर भी एक बार तुम अपने टैलेंट और अपने ग्रेड को देखकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूं कि उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचो। आपने मेरे लिए जो फिक्र दिखाई उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन बाबा मैं इस रास्ते को ही चुनना चाहता हूं। उपयोग के फैसले को सुनकर पेविलियन में बैठे उसे बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और उसकी चुनी हुई सारी एक्सरसाइज को रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया। बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे इस एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं? मैं इसकी क्वालिटी और इसे परफॉर्म करने के स्टेप्स के बारे में नहीं जानता हूँ। ये एक्सरसाइज इस कबीले के एक स्टूडेंट ने एक गुफा में बैठकर डिस्कवर की थी और फिर इसके बाद इसे पवेलियन को सौंप दिया। आज तक कोई इसे परफॉर्म नहीं कर सका, इसलिए हम इसकी क्वालिटी और स्टेप्स के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए हमने इसे पीले ग्रेड की कैटेगरी में रखा है। इस कबीले के कई स्टूडेंट्स ने इसे परफॉर्म करने की कोशिश की पर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि सुपर ग्रेड मार्शल स्प्रिट वाले भी मार्शल आर्टिस्ट इसे परफॉर्म नहीं कर पाए थे। क्या इसे प्रैक्टिस और परफॉर्म करना इतना कठिन है? ये कठिन नहीं बल्कि एक मुश्किल एक्सरसाइज है। कुछ इसे तेजी से परफॉर्म करते हैं तो कुछ इसे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें सोल और बॉडी दोनों ही तरीके से टैलेंट की जरूरत होती है। इसका सोल वाला हिस्सा प्रैक्टिस करना आसान है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल पावर है ही नहीं, इसलिए नॉन एट्रीब्यूट ऑरा का नुकसान एट्रीब्यूट ऑरा तुलना में कम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसे प्रैक्टिस करते हैं वो इंटरनल ग्रेड पर नहीं पहुंच पाते हैं। फिर कबीले के लोगों ने और टीचर्स ने इसे पवेलियन में क्यों रखा है? जब इसे परफॉर्म करना पॉसिबल है ही नहीं तो उन्हें इस किताब को फेंक देना चाहिए। ये किताब आज तक इस पवेलियन में इसलिए जगह बना पाई है क्योंकि एक्सरसाइज नॉन एट्रीब्यूट एक्सरसाइज में से एक है जो अत्यंत मुश्किल से मिलती है। नॉन एट्रीब्यूट टॉप स्प्रिट स्प्रिट वाले मार्शल इसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैसेज इशू करा कर ले जाना चाहते हो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ इसे एक हफ्ते में वापस ला कर देना होगा। व्योम ने उसे बुजुर्ग की बात सुनकर खामोशी से सिर हिलाया और किताब लेकर उनका शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। व्योम को जाते हुए उसकी पीठ को देखकर पेविलियन में मौजूद वो बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। उसने सिर हिलाया और एक ठंडी आह भर के बोला, इस लड़के की किस्मत भी कितनी अजीब है जो उससे ये करवा रही है। इसके आगे क्या होगा? क्या व्योम उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएगा और उस किताब को पढ़कर अपनी शक्तियों को बढ़ा पाएगा, या फिर वो भी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तरह बस एक डिसाइडेड लेवल पर पहुंचकर ग्रो करने से रुक जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी इस चीज का। मार्शल पेविलियन से निकलकर व्योम अपने घर के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में धीमे कदमों के साथ पैदल चलते हुए व्योम ये सोचकर आगे बढ़ा जा रहा था कि आज जब तक इस एक्सरसाइज को कोई परफॉर्म नहीं कर पाया है तो क्या वो इस काबिल है कि वो इसे परफॉर्म कर सकता है। उसके मन में कहीं दो तरफा ख्याल आ रहे थे जो उसे एक तरफ इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे थे कि वो ये कर सकता है, और दूसरी तरफ उसका ख्याल उसे ये सोचकर उसके टैलेंट पर डाउट पैदा कर रहे थे कि जब कहीं से कोई नहीं कर पाया है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इन्हीं सब बातों के बीच व्योम को याद आया कि उसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए अपने मैजिकल स्टोन और नैनो बॉट की मदद लेनी चाहिए, और फिर मैजिकल स्टोन के बारे में सोचते ही व्योम अपने आप से बोला, लगता है पवेलियन में बैठा हुआ वो बुजुर्ग मेरी असली ताकत नहीं पहचान पाए थे, और पहचानते भी कैसे? ये मैजिकल स्टोन भी अपनी असलियत छिपाने में वाकई गजब की काबिलियत रखता है, इसलिए शायद उन्हें इस बात का शक हुआ कि मैं भी इसे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। पर वो बुजुर्ग ये नहीं जानते कि मेरे पास एक ऐसी स्प्रिट है जो मेरे लिए वो सब कर सकती है
जो मैं करना चाहता हूँ। खुद से यही सब बातें करते करते व्योम अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचने के बाद व्योम फिर अपने कमरे में गया, एक्सरसाइज की किताब खोली और उसमें दिए गए चैप्टर्स और पिक्चर्स को ध्यान से देखने और याद करने लगा। उसके बाद अगले दिन व्योम सुबह जल्दी जाग गया क्योंकि उसे आज से ही इस बुक की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी थी और एक हफ्ते के अंदर इस बुक को लौटाना भी था, इसीलिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अपने बिस्तर से उठकर नहाने के बाद सबसे पहले वो फर्श पर दोनों पैर मोड़कर आलती पालती मारकर बैठ गया और फिर उसने इसके बाद अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ा और सोल और स्पिरिट की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। व्योम सोल की एक्सरसाइज के बाद बॉडी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना चाहता था, इसीलिए वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के ऑरा को वहाँ एक स्पेशल रास्ते पर चलाने लगा। ऑरा एक तेज चमकदार रोशनी टाइप की एनर्जी होती थी। इस तरह ऑरा को उस डायरेक्शन में भेजने से उसकी ऑरा धीरे धीरे कंप्रेस होने लगी। उसके मैजिकल स्टोन में छिपी हुई स्पिरिट अपने आप उसके हाथों की हथेलियों पर आ गई और ऑरा की निकलती हुई चमक को चारों ओर से अपने अंदर निकलने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्यासा पानी पीता है। व्योम को मैजिकल स्टोन के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते करते कई घंटे बीत गए थे और उसके आसपास बनने वाला डॉम, जिसे मेरिडियन कहते थे, फिर से पूरी तरह एनर्जी से भर चुका था। यह प्रोसेस ना जाने कितने ही बार दोहराई गई और हर बार ऑरा और उसकी एनर्जी को कंप्रेस करके कंडेंस करके सेव किया गया। यही करते करते उसका मेरिडियन एक बार फिर से भर गया और कंप्रेस हो गया, पर इस बार ऐसा होते ही व्योम का शरीर पूरी तरह से हिल गया और उसके स्किन पर मौजूद सभी पोर्स खुल गए। इसके बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में इतनी एनर्जी निकली कि बहुत ज्यादा काला धुआं उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। ये काला धुआं उसके मुंह और नाक से बाहर आ रहा था। इस धुएं के साथ उसकी सोल की सारी इम्प्योरिटीज भी एक एक करके बाहर आ रही थी। इसके बाद मेडिटेशन में डूबे व्योम की अंदर से उसकी स्पिरिट ने कहा, आपने 7th लेवल मार्शल आर्टिस्ट को हासिल कर लिया है। व्योम ने 7th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा तो पा लिया था, पर इसके बाद ही उसे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसका चेहरा अजीब से एक्सप्रेशन दिखाने लगा। अचानक उसने अपने पेट में अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस किया और वो बहुत तेजी से चीखते हुए बाथरूम की तरफ दौड़ा। व्योम के इस तरह अचानक ही एक्सरसाइज की प्रैक्टिस छोड़ने पर वहां मौजूद सारी एनर्जी एकदम से ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से कमरे में सब कुछ बिखर गया था। व्योम की पावर ने अपनी एग्जिस्टेंस बताते हुए वहां मौजूद सभी चीजों को हिला कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि किसी तेज भूकंप के झटके ने आकर व्योम के घर को पूरी तरह से झकझोर दिया। कुछ समय बाद वो बाथरूम से बाहर आया तो उसने राहत की सांस ली। इसके बाद वो नहाने चला गया और नहाने के बाद तरोताजा महसूस किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि 7th लेवल पर पहुंचने पर मुझे इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो इसे पिछले लेवल की तरह ही आसान समझना था, पर इस लेवल पर होने वाली ये इंटरनल ऑर्गन्स क्लीनिंग इतनी भयानक होगी, इस बात का मुझे जरा भी आइडिया नहीं था। मुझसे तो उस काले धुएं और मेरे शरीर से निकलने वाली दूसरी इंप्योरिटीज की बदबू भी बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। पर हाँ, ये खुशकिस्मती की बात है कि ये प्रोसेस सिर्फ एक बार ही होता है और मुझे दोबारा कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनर्जी के ब्लास्ट होने की आवाज और व्योम के इस तरह चीखते हुए भागने के बाद महिमा वहां आकर खड़ी हो गई थी। बात की फिक्र सता रही थी कि व्योम को कुछ हुआ तो नहीं होगा। महिमा कमरे में इधर उधर सिर्फ व्योम की तलाश कर रही थी, पर व्योम उसे कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से महिमा और भी ज्यादा परेशान होने लगी और बेचैनी भरी निगाहों से पूरे घर में हर दरवाजे हर कमरे के अंदर व्योम को तलाशने लगी। व्योम ने बाथरूम से निकलने के बाद महिमा को ऐसे बेचैन होते देखा तो उसने महिमा के चेहरे पर फैली हुई उस फिक्र की असली वजह जानने के लिए उससे पूछा, क्या हुआ महिमा, तुम इस तरह से परेशान क्यों हो? कुछ खो गया है जिसे तुम ढूंढ रही हो? अगर कुछ खो गया है तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे, इससे तुम्हें भी आसानी होगी और वो चीज भी जल्दी मिल जाएगी। यंग मास्टर, आप ठीक तो है ना? मैंने अभी एक जोर की आवाज सुनी और फिर आपकी भी चीखने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर मैं डर गई थी। मुझे इस बात की फिक्र सताने लगी थी कि आपको कुछ हो तो नहीं गया, जिस वजह से मैं परेशान हो गई थी। और फिर यहाँ आकर देखा तो आप मुझे यहाँ कहीं भी नहीं दिखे, जिसे मेरे जहन में बहुत से नेगेटिव ख्यालात एक साथ आने लगे थे। उस धमाके में आपको कुछ हुआ तो नहीं? और क्या पूरे दिन यहीं बैठे रहे थे? महिमा ने जैसे ही ये बात कही कि आप सारा दिन यहीं बैठे थे क्या, तो इस बात को सुनकर व्योम हैरान हो गया। उसे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिन ढल चुका है और सूरज डूब चुका है। उसने सुबह सुबह इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना शुरू किया था। उसकी प्रैक्टिस करते करते वो इतना ज्यादा इसमें डूब चुका था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। इसके बाद उसने महिमा की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए हैरान होकर उससे बोला, इसका मतलब है महिमा, मुझे ऑरा को कन्वर्ट करने और एक्सरसाइज ट्रांसफर करने में लगभग पूरा दिन लग गया है, पर तुम्हें ये बात जानकर खुशी होगी कि मैंने फिर भी 7th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट शक्तियों को पा लिया है। मुझे लगता है कि स्प्रिट की एक्सरसाइज की ऑरा की आवश्यकता मेरी सक्सेस को अफेक्ट नहीं कर सकती है। खैर, बस अब थोड़ा ही और ऑरा चाहिए और मैं इसे पिल्स से हासिल कर सकता हूँ, और वो भी बिना मेडिटेशन के वक्त में बदलाव किए।
अपनी एक्साइटमेंट के चलते व्योम ये भूल गया था कि वो महिमा से उसकी पिल्स से लेकर उसकी पावर्स तक सारे राज बताए जा रहा था, जिसका हो सकता है उसे फ्यूचर में कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। महिमा भी व्योम की सारी बातें सुनती जा रही थी, पर महिमा इन सब चीजों से इतनी जुड़ी हुई नहीं थी, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, और यही बात व्योम के लिए प्लस पॉइंट साबित हो गई। व्योम को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने अपनी मैजिकल मेडिसिन और पिल्स वाली बातें उसने महिमा को बता दी है, तो उसने अपनी बात को घुमाने की सोची और फिर महिमा की तरफ देखा और उसे शांत लहजे में कहा, कुछ नहीं हुआ है महिमा, तुम फिक्र मत करो, मैं तो बस नई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहा था जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। ये एक मुश्किल एक्सरसाइज है और मैं इसे प्रैक्टिस करके परफॉर्म करना चाहता हूं, इसलिए मैं फ्यूचर में भी इसी तरह प्रैक्टिस करता रहूंगा। इसलिए इन सब आवाजों से तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना ही नहीं, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ वक्त के लिए गायब भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां इस एक्सरसाइज को मैं पूरी तरह से खुलकर परफॉर्म कर सकूं। मैं ये सब तुम्हें बस इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम मुझे यहां ना पाकर भी डर से घबराओ ना, और मेरे यहां ना रहने पर भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनकर रहो। ये सब कहकर व्योम ने महिमा के सिर को उसके हाथों से धीरे से रगड़ा और उस पर प्यार जताते हुए उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, वो अकेले ही सबसे लड़ सकती है। व्योम ये बात जानता था कि डरी सहमी सी रहने वाली महिमा काफी ज्यादा इमोशनल है, उसे कोई जोर से भी कुछ बोलेगा तो वो रो देगी। साथ ही साथ व्योम ये भी जानता था कि महिमा को अगर उसके आसपास लोग दिखाई ना दें तो वो डर से घबराने लगती है, इसीलिए व्योम उसे छोड़कर वहां से दूर जाने से पहले उसे इस तरह के हालातों के लिए तैयार कर रहा था। महिमा को व्योम का इस तरह प्यार और केयर करने वाला रवैया काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। महिमा व्योम से इस तरह इम्पोर्टेंस पाकर दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जिसके कारण उसका चेहरा ब्लश करता हुआ दिखाई दे रहा था। महिमा ने शर्माते हुए व्योम से कहा, मैं समझ गई यंग मास्टर, आप बेफिक्र रहें, मैं एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की की तरह ही आपके एब्सेंस में आपका घर संभालूंगी। अभी व्योम महिमा से बात ही कर रहा था कि उसने फिर अपनी ताकत महसूस की। उसके मेरिडियन समुद्र जैसे चौड़े हो गए, पहले वो नदियों की तरह थे। उसने बहुत ज्यादा चमकदार और घनी सफेद ऑरा को अपने मेरिडियन में बहते हुए देखा, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। व्योम अपनी ताकत को महसूस करके सोते हुए खुद से बोला, अब मैंने उन स्पेशल टैलेंट वाले मार्शल आर्टिस्ट और मेरे बीच के डिफरेंस को कम कर दिया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं उन्हें भी पछाड़कर आगे निकल जाऊं, पर उसके लिए मुझे जल्द से जल्द इस फोर्जिंग तकनीक की प्रैक्टिस करनी होगी। सुबह से लेकर शाम तक इस तरह एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से व्योम अपनी काफी ज्यादा एनर्जी गंवा चुका था। उसकी बॉडी पूरी तरह से भूख में झुलस कर खाने की मांग करने लगी थी। अपनी इसी भूख के चलते उसने मांस खाया और साथ साथ फलों की शराब भी पी। स्पिरिट को प्रैक्टिस करके एक बड़े लेवल पर पहुंचने से पहले दुनिया में मिल रही ये सामान्य खाने की चीजें नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ऐसी सभी चीजों को खाएंगे तो उनकी स्पिरिट क्लीन होने के बजाय और ज्यादा इम्प्योर हो जाएगी, इसीलिए सभी स्पिरिट प्रैक्टिशनर वो एनर्जी की गोलियां लेते थे। पर व्योम ने इन सब की परवाह नहीं की, क्योंकि उसका ऑरा अब तक बहुत मजबूत हो चुका था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बॉडी इस खाने से इम्प्योरिटीज तुरंत ही अलग कर देगी और सिर्फ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स ही बचे रहने देगी। खाना खाने के बाद फिर उसने फिजिकल एक्सरसाइज, पंच और फुट स्टेप टेक्निक्स के बारे में सोचा और महिमा को देखते हुए कहा, महिमा, मैं घर के पीछे के हिस्से में प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तुम आंगन में रह सकती हो या कबीले में जाकर अपने दोस्तों से मिल सकती हो, बस फोर्थ और फिफ्थ मास्टर से बचना, मैं उन्हें अभी नहीं मारना चाहता हूँ। यंग मास्टर, क्या आप चौथे और पांचवें मास्टर को मारने जा रहे हैं? व्योम उसके परेशानी से भरे चेहरे को देखकर मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आंगन के बाहर चला गया, और फिर व्योम उसके घर के पीछे की पहाड़ की दिशा में चल पड़ा। उसका घर लाइन कबीले के पश्चिमी कोने पर था, जहां कबीले और जंगल की बॉर्डर थी। व्योम ने बॉर्डर पर पहुंचकर ही दूर पड़े पत्थर की दीवार पर पहरेदारों को देखा, जो इधर उधर घूम रहे थे, और उनमें से कुछ झुंड बनाकर वहां बैठे थे। ये बॉर्डर हमेशा लाइन कबीले के पहरेदारों द्वारा सिक्योर रहती थी, ताकि कोई भी अनवांटेड कबीले के एरिया में एंटर ना कर सके। इस तरह कबीले को चारों ओर बॉर्डर पर सिक्योरिटी देना बहुत खतरनाक काम था, क्योंकि कभी कभी मास्टर्स के हाथों पहरेदार भी मारे जाते हैं। व्योम बड़े गौर से उन सभी पहरेदारों को देख रहा था और उन्हें देखते हुए उसने सोचा, इन पहरेदारों का काम वाकई खतरनाक है, इन्हें हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, जरा सी नजर हटते ही ये अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं। पहरेदारों के बारे में सोचते हुए व्योम ने अपना मैजिकल स्टोन निकाला और फिर उसकी मदद से अपने आप को गायब कर लिया। गायब हो जाने के बाद व्योम दीवार के ऊपर से कूद गया और दूसरी तरफ बिना किसी की नजर में आए पहुंच गया। दीवार कूदने के बाद वो गहरे जंगल में कूदते हुए पेड़ों की शाखा के ऊपर से गुजरा और कुछ समय बाद वो एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया, जहां उसके सामने तैरते हुए बादल और दूर एक दूसरी चट्टान की दीवार दिख रही थी। दोनों चट्टानों के बीच का एरिया नहीं दिख रहा था। दोनों चट्टानों के बीच के उस गहरे एरिया को देखकर व्योम ने कहा, शायद ये वो घाटी है
जहां टॉप ग्रेड और लोअर ग्रेड वाले मॉन्स्टर ने लड़ाई की थी, जिस वजह से ही ये पूरा एरिया नीचे धस गया है। मैंने सुना है कि वो स्पेशल मार्शल जो पैदाइशी मार्शल होते हैं, वो आसानी से पहाड़ को समतल कर सकते हैं। ये कहते कहते उसने गहरी सांस ली और उसका हौसला उसके सफर को लेकर और भी ज्यादा बुलंद हो गया। उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आकर बस गया था। एक दिन मैं भी मोर्टल एरिया तक पहुंचूंगा। मुझे अपने हुनर और मुझे मिले इस मौके पर पूरा भरोसा है। मैं एक दिन इमोर्टल मार्शल बनकर ही रहूंगा। इसके बाद भी व्योम ने फिजिकल एक्सरसाइज करने के बारे में सोचा और जैसे ही उसने बुक्स पर बने उन चैप्टर्स को देखा तो उसे देखकर वो पूरी तरह से डर से कांप उठा। उन इमेज को देखकर व्योम ने कहा, ये तो बिल्कुल ही सेल्फ टॉर्चर है। इस तरह पहले ऑरा को मेरिडियन से उल्टा चलाकर शरीर के अंदर विस्फोट कराना होगा ताकि पूरे शरीर को मजबूत किया जा सके, यहां तक कि खोपड़ी को भी। न जाने किसने ये एक्सरसाइज बनाया है। ये मजाक नहीं है, ये एक्सरसाइज पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा ही है। और ये सिर्फ येलो लेवल का नहीं लगता, ये स्प्रिट लेवल का है। शायद ये पृथ्वी या स्वर्ग के लेवल का एक्सरसाइज है। मान लेता हूं अगर मैं इनिशियल ऑरा या फिर टॉप एरिया का ऑरा विस्फोट करूं तो मेरा शरीर अनलिमिटेड तरीके से मजबूत हो सकता है। ये एक्सरसाइज बनाने वाला आदमी वाकई जीनियस है। इसके बाद व्योम ने एक्सरसाइज के बताए अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो अपनी ऑरा को उल्टा चलाकर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। अनलिमिटेड तरीके से मजबूत हो सकता है। ये एक्सरसाइज बनाने वाला आदमी वाकई जीनियस है। इसके बाद व्योम ने एक्सरसाइज के बताए अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो अपनी ऑरा को उल्टा चलाकर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते करते अचानक ही व्योम ने खून की बौछार की। उसके शरीर की सारी स्किन एकदम से फट गई और उसकी आंखें दर्द और नर्वस सिस्टम में महसूस हुए एक जोर से झटके से लाल हो गई। ये क्या हो रहा है? व्योम ने ये इतनी जोर से कहा था कि उसके चिल्लाने से घाटी में एक बड़ी चीख गूंज उठी। वहां मौजूद सभी पक्षी चारों ओर उड़ने लगे। यार ये तो नर्क जैसा महसूस हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने पर मुझे इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अभी से नहीं रोका तो ये एक्सरसाइज जरूर मेरी जान लेकर रहेगी। उसने अपनी ऑरा को नेगेटिव साइड चलाने से रोककर फिर से पॉजिटिव साइड में चलाया, जिससे उसका पूरा शरीर शांत हुआ और उसने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए खुद से कहा, ये तो बिल्कुल नर्क जैसा था। मैं अपनी ऑरा को दिन में एक बार ही उल्टा चला सकता हूँ। अगर मैं एक से ज्यादा बार इसे ट्राई करने की कोशिश भी करूंगा तो मेरी सारी नसें फट जाएंगी। हो सकता है मुझे इतना दर्द इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले ही सेवंथ लेवल के मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा हासिल कर लिया है। ये एक्सरसाइज इनिशियल लेवल पर स्मॉल क्वांटिटी में स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा के साथ करना चाहिए। अब मेरे पास बहुत ज्यादा ऑरा हो चुकी है, जिसके चलते उसे नेगेटिव साइड उल्टा चलाना मेरे लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनते जा रहे हैं। उस भयानक एक्सपीरियंस के बाद कुछ देर तक लंबी लंबी सांस लेते हुए व्योम को बहुत अजीब महसूस हुआ। उसने कुछ समय बाद खुद को संभाला और नाइन इको फिस्ट टेक्निक की याद ताजा की। उसने अपनी पोजीशन सेट की और घाटी के डायरेक्शन में ही पंचिंग शुरू कर दी। इसके बाद उसने मेरिडियन से ऑरा को अपने दोनों हाथों में डायरेक्शन देकर भेज दिया। नाइन इको फिस्ट का टारगेट यह है कि हर पंच के साथ ऑरा की परतें बनाती रहें, जिससे एक ही हमले से प्रतिद्वंदी को 9 बार नुकसान हो। व्योम के इस तरह पंच करने से घाटी में 3 बूंदें गूंजी, जैसे किसी ने साउंड को रोकने वाले पहाड़ को 3 बार तोड़ा। एन से ये आवाज दूर दूर तक फैली। 3 ऑरा की लेयर मेरी मुट्ठी से निकली, ये कैसे हो गया? उस वक्त महसूस किया हुआ ये फोर्स मेरी बाहों में लगभग 39,000 किलोग्राम वेट पैदा किया था, जो 8वें लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा है। जैसे ही व्योम को ये पता चला कि उसने 8वें लेवल की मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा फोर्स से पंच लगाया है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और वो लगातार इसकी प्रैक्टिस करने लगा। कुछ घंटों तक प्रैक्टिस करने के बाद उसने 5वीं गूंज पर पहुंचकर प्रैक्टिस को रोका। चलो इसके बाद फेदर फुल स्टेप टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं। इतना कहकर उसने फेदर फुल स्टेप की प्रैक्टिस शुरू कर दी। ऑरा की परतें उसकी टांगों पर झिलमिलाने लगी, जिससे उसका शरीर ऊपर उठने लगा, जैसे उसका वजन कम हो रहा हो। मुझे काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। इस टेक्निक ने तो मुझे बिल्कुल पक्षियों के टूटे हुए पंख की तरह हल्का कर दिया है। कुछ समय बाद उसका गायब होने का माया खत्म होने लगा और चट्टान पर उसकी परछाई दिखने लगी। उसे जैसे ही इस बात का पता चला, उसने अपनी प्रैक्टिस को रोका और पसीना पोंछते हुए आराम महसूस किया। उसके मेरिडियन में बहुत सारी ऑरा होने के बावजूद उसने लगातार कुछ घंटों की प्रैक्टिस के बाद थकान महसूस की। इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद क्या व्योम इमॉर्टल मार्शल के लेवल तक पहुंच पाएगा? यहां से उसके सफर में और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये सीरीज।
ठीक है, कम से कम मैंने दोनों टेक्निक में मीडियम प्रोफिशिएंसी तक महारत हासिल कर ली है। जल्द ही मैं हाई प्रोफिशिएंसी में भी मास्टरी हासिल कर लूंगा और इसी तरह कोशिश करते करते मैं एक दिन टॉप आर्टिस्टिक कंसेप्शन तक पहुंच जाऊंगा। इस तरह प्रैक्टिस से टेक्निक को डेवलप करना बहुत मजेदार है। इससे मेरी ताकत में कई गुना इंक्रीमेंट महसूस होता है और इस तरह पावर्स को इंक्रीज करने से ज्यादा खुशनुमा चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा पहचान उसकी एफिशिएंसी दिलाती है और मार्शल आर्ट की एफिशिएंसी को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिक, प्रोफिशिएंसी, मास्टरी और आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। और इन्हीं के बेसिस पर यह पता लगाया जाता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के हद तक पार्ट और एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लायक है। व्योम उसके मीडियम प्रोफिशिएंसी लेवल को क्रैक करने की खुशी मना ही रहा था कि उसके कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई जंगली जानवर यहाँ आसपास है। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उसकी नजरों में जितना ज्यादा बच सकूं मुझे बचाना है, नहीं तो वो मुझे अपना शिकार भी बना सकता है। या फिर एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मैं अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उससे लड़ूं भी तो मेरी शक्तियों से शायद उसकी जान भी जा सकती है। अगर हम दोनों को जिंदा रहना है तो मुझे और उसे दोनों को एक दूसरे की नजरों से बचना होगा। एक जंगली जानवर की आवाज जैसे ही व्योम के कानों में गूंजी, वैसे ही व्योम उस डायरेक्शन में देखने लगा जिस डायरेक्शन से वो आवाज आई थी। ये पता चलते ही कि कोई आसपास जंगली जानवर है, व्योम थोड़ा सा अवेयर हो गया। अभी उस जानवर से दूर रहने की कोशिश कर ही रहा था कि पास में एक बड़ी सी परछाई उभरी जिसमें एक जानवर दिखाई दिया जो भालू जैसा दिख रहा था। उस जानवर की लंबाई 6 मीटर से भी ज्यादा थी। उसके शरीर पर गहरे भूरे रंग के कांटेदार बाल लगे हुए थे, उसके जबड़े पर खून लगा हुआ था और उसके दांत ऐसे थे जिससे वो किसी भी जानवर की खाल काट खाए। इस तरह के फीचर्स के साथ वो जानवर बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था। व्योम ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था पर उस जानवर की परछाई को देखकर व्योम ने खुद से कहा, मुझे आसपास एक खतरनाक जानवर का ऑरा महसूस हो रहा है। मेरे सेंसेशन मुझे बता रहे हैं कि ये कोई वैसा जानवर नहीं है बल्कि 6th लेवल का जानवर है जो खूंखार होने के साथ साथ मैन ईटर भी है। हो ना हो ये एक अर्थ बियर की आवाज थी। दरअसल इस दुनिया में जानवर के रूप में मॉन्स्टर्स घूमा करते थे और इन मॉन्स्टर्स जैसे जानवरों की भी शक्तियों का अपना एक लेवल होता था, जैसा लेवल मार्शल आर्टिस्ट की शक्तियों का होता है। व्योम अभी उस जानवर के बारे में सोच ही रहा था कि उस जानवर ने व्योम को ढूंढ लिया और जैसे ही उस जानवर की नजरें व्योम से मिली तो वो जानवर व्योम को गुस्से से पूरी तरह लाल निगाहों के साथ घूरने लगा। और जब जानवर का पारा पूरी तरह से चढ़ गया तो उसने हमला करने के लिए अपना पंजा उठाया और व्योम की तरफ झपट्टा मार दिया। व्योम उस जानवर से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि इससे लड़ने के लिए उसे अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाना होगा, पर एक बार मार्शल स्पिरिट आ गई तो ये जानवर उसकी चपेट में आकर अपनी जान खो बैठेगा। इसीलिए व्योम उस जानवर से सिर्फ बचने की व्योम की तरफ झपट्टा मार दिया। व्योम उस जानवर से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि इससे लड़ने के लिए उसे अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाना होगा, पर एक बार मार्शल स्पिरिट आ गई तो ये जानवर उसकी चपेट में आकर अपनी जान खो बैठेगा। इसीलिए व्योम उस जानवर से सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए वो अपनी प्रैक्टिस की हुई एक्सरसाइज फेदर फुट स्टेप का यूज करके हल्का होकर हवा में उछाल मार रहा था। व्योम जंप लेकर तेज चाल से उस भालू के हमले से बच निकला, पर भालू का पंजा इतनी जोर से घूमा था कि व्योम का शरीर कांप गया था। व्योम अपनी इस फेदर फुट स्टेप टेक्निक से वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। वह चट्टान पूरी तरह लाल निगाहों के साथ घूरने लगा और जब जानवर का पारा पूरी तरह से चढ़ गया तो उसने हमला करने के लिए अपना पंजा उठाया और व्योम की तरफ झपट्टा मार दिया। व्योम उस जानवर से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि इससे लड़ने के लिए उसे अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाना होगा, पर एक बार मार्शल स्पिरिट आ गई तो ये जानवर उसकी चपेट में आकर अपनी जान खो बैठेगा। इसीलिए व्योम उस जानवर से सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए वो अपनी प्रैक्टिस की हुई एक्सरसाइज फेदर फुट स्टेप का यूज करके हल्का होकर हवा में उछाल मार रहा था। व्योम जंप लेकर तेज चाल से उस भालू के हमले से बच निकला, पर भालू का पंजा इतनी जोर से घूमा था कि व्योम का शरीर कांप गया था। व्योम अपनी इस फेदर फुट स्टेप टेक्निक से वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। वह चट्टान जहां व्योम खड़ा था उस जैसे ही उस भालू का पंजा टकराया तो वो चट्टान टूटकर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और उसकी कुछ लेयर टूटकर घाटी में गिर गई। व्योम ने जैसे ही देखा कि उस भालू का दिया हुआ डैमेज इतना ज्यादा खतरनाक था तो उसने मन ही मन अपने आप से बोला, इतने बड़े लेवल का डैमेज तो मुझे यकीन हो गया कि ये 6th लेवल का ही भालू है। मैं तो मेरी किस्मत का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि सही वक्त पर मैंने अपनी पोजीशन बदल ली।
नहीं तो मैं भी इस भालू के हमले का शिकार होकर अपनी जान से हाथ गवा बैठता और फिर मेरे शरीर के टुकड़े इसी खाई में गिरकर कहीं गुम हो जाते। व्योम के बच जाने के कारण उस जानवर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि उसका वार खाली चला गया है। जैसे ही उस जानवर को इस बात का एहसास हुआ कि वो एक बार फिर गुस्से से दहाड़ा और उसने अपने दोनों पंजे व्योम जिधर खड़ा था उस डायरेक्शन में उठाए और दोबारा उतनी ही तेजी से व्योम पर हमला कर दिया। तुरंत 6 लंबे भूरे रंग के नाखून वहां व्योम की आंखों के सामने उसे दिखाई दिए। इस बात को समझ चुका था कि वह उसे भालू से बिना लड़े वहां से बचकर नहीं जा सकता है, इसीलिए उसने उसके मार्शल आर्टिस्ट होने के पहले रूल सेल्फ डिफेंस के लिए हमला करना इसे फॉलो करना बेहतर समझा। इसके बाद उसने इसे बचाने वाली फेदर फुट स्टेप टेक्निक को रोक लिया और उस भालू से पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो गया। खैर अब टेस्टिंग का समय जा चुका है, फेदर फुट स्टेप अब मुझे इस जानवर से दो दो हाथ करना ही पड़ेगा। उसने इसके अलावा मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है। जैसे ही व्योम ने उस भालू से लड़ने का फैसला किया वैसे ही वहां अजीब सी एक रोशनी चमक उठी। हो ना हो ये व्योम की मार्शल स्पिरिट ही थी जो उसे उस भालू से लड़ने के लिए मोटिवेट कर रही थी। इसके बाद अपना दांव खेलते हुए व्योम तुरंत ही उस भालू के पीछे आया और फिर उसने उस भालू की रीढ़ की हड्डी पर एक जोरदार मुक्का मार दिया और मुक्का मारते ही वह भालू की तरफ देखते हुए बोला, इसे कहते हैं 9 इको फेस्ट। तुम्हें नहीं पता डियर, तुमने मेरी आज ही सीखे मूव्स को कितना ज्यादा प्रैक्टिस करा दी है। व्योम ने जैसे ही भालू के शरीर पर 9 इको फेस्ट टेक्निक से पंच मारा वैसे ही बहुत सी चमकदार ऑरा की लहरें भालू की रीढ़ की हड्डी से टकराई जिससे उसकी हड्डी टूट गई। उस पंच का फोर्स इतना ज्यादा था कि अगले ही सेकंड उसकी पूरी सामने की छाती 5 लगातार ऑरा की तरंगों के हमले से पूरी तरह खुल गई थी। उस भालू के सारे इंटरनल ऑर्गन अस्त व्यस्त होकर बाहर आ गए थे और फिर उसके बाद उस भालू की लाश तड़पते हुए जमीन पर जा गिरी। भालू की लाश का वजन इतना ज्यादा था कि उसके जमीन पर गिरने से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई और जमीन पर फैले हुई धूल चारों ओर बिखर गई। व्योम ने उस भालू की बड़ी सी लाश का एनालिसिस किया और उसे एनालाइज करते हुए सोचा और अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली और उस मॉन्स्टर की लाश को देखते हुए कहा, इस मॉन्स्टर को मारना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले से ही 7th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूं और ये जानवर सिर्फ 6th लेवल का मॉन्स्टर था। यही कारण हो सकता है कि मैं ऐसा करने में कामयाब हो पाया, नहीं तो अगर ये मेरे बराबर या उसके ऊपर के लेवल का मॉन्स्टर होता तो इससे लड़ने पर मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ती। व्योम ने उस मॉन्स्टर की लाश को मैजिकल स्टोन वाली जगह में रख दिया जिसे उसने उसकी 7th लेवल की ताकत के कारण 7 क्यूबिक मीटर वाली जगह में अपग्रेड कर दिया था। उसकी मैजिकल स्टोन स्पिरिट उसकी ताकत के साथ साथ बढ़ रही थी और नैनोबॉट्स स्पिरिट की उसकी कंट्रोल करने की लिमिट भी लगातार इंक्रीज होते जा रही थी। अब वो उन्हें 7 मीटर के दायरे में कंट्रोल कर सकता था। व्योम ने उसके हाथों पर नैनोबॉट से बने गहरे काले दस्ताने पहन रखे थे। इसके बाद अपने हाथ को उठाकर नैनोबॉट्स की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इस दुनिया में भी इन नैनोबॉट्स को यूज करना सीखना होगा। हालांकि इस दुनिया में और इस सिविलाइजेशन में ये फिजिकल एनिमेशन और बारूद मार्शल आर्टिस्ट को अफेक्ट नहीं करता है, पर फिर भी मैं ऐसे हथियार बनाने की कोशिश कर सकता हूँ जो उन एनर्जेटिक हथियारों की तरह किसी भी फिजिकल बारूद के बजाय मेरे पर्सनल ऑरा का यूज बारूद के रूप में कर सके। ऐसा लगता है कि मुझे आगे इसके लिए काफी ज्यादा रिसर्च करनी होगी। व्योम सोचते हुए खुद से ये सब बातें किया जा रहा था। इसके बाद उसकी नजर सूर्य की तरफ गई। जैसे ही उसने सूर्यास्त की ओर देखा वो मुड़ा और अपने परिवार के पास लौट आया। अपने घर में आकर वो अपने प्राइवेट कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसने किसी अनजान आदमी की बात सुनी जो किसी से कुछ कह रहा था। चलो लड़की, यंग मॉन्स्टर निखिल तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं। तुम इसे क्यों रिजेक्ट करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो सकता है आज तुम्हारे निखिल के पास जाना तुम्हारी जिंदगी बदल दे और हो सकता है तुम इसके बाद एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी जियो। व्योम ने अपने आंगन के पास शोर सुनकर अपनी भौं उठाई और उस आती हुई आवाज की ओर चल दिया। नैना और उसके साथ आंगन में खड़े कुछ नौकरों को देखकर उसकी सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। फिर अगले ही पल व्योम की नजर महिमा पर पड़ी जो जमीन पर बैठी थी और एक मेल सर्वेंट उसके बालों को पकड़कर उसे खींच रहा था और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था। साथ ही साथ वो नौकर महिमा को निखिल के पास ले जाने के लिए जबरदस्ती भी कर रहा था। व्योम ने जब ये सब देखा तो अपने हाथों को आगे करते हुए बोला, फेदर फुटस्टेप मैं तुम्हारा यूज करना चाहता हूँ। वहां मौजूद इतने सारे लोगों के बीच भी तुरंत नौकर के सामने आकर व्योम ने उसकी छाती पर बिना किसी झिझक के एक करारा मुक्का मार दिया। व्योम ने अपने स्पंज को मारते हुए बोला, 9 इको फिस्ट, इस जालिम पर तुम अपना कमाल दिखाओ और इसे सबक सिखाओ कि किसी के साथ इस तरह का सलूक करने का अंजाम क्या होता है। जैसे ही व्योम ने 9 इको फिस्ट का इस्तेमाल उस नौकर पर किया तो वो नौकर उसकी जगह से उड़कर दूर जा गिरा
उस नौकर की आंखों और नाक से खून बह रहा था। नैना और बाकी के मौजूद नौकर ये देखकर चौंक गए थे, क्योंकि नौकर को मारने से पहले व्योम ने फेदर फुट स्टेप का यूज किया था, इसीलिए उसे वहां मौजूद कोई भी नहीं देख पाया था। सभी लोग इस सोच में हैरान थे कि आखिर अचानक नौकर को क्या हुआ, और इससे पहले कि वो वहां कोई रिस्पांस कर पाते, एक तेज चीज आई और उनसे टकरा गई। उन सभी की बॉडी से खून आने लगा था, जिसमें नैना भी शामिल थी। नैना अपने मुड़े हुए हाथ के साथ बहुत दूर तक उड़ के गई और फिर जमीन पर गिर गई। वहां पूरे आंगन में मार्शल आर्टिस्ट की चमकदार ऑरा बिखर गई थी। इसके बाद व्योम ने नैना के पास जाकर कहा, ओह, मैंने सोचा था ये मुक्का तुम सबको मार डालेगा, पर उससे पहले ही मैंने इसकी फोर्स कम कर दी। अब मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए था। व्योम, यू बास्टर्ड, तुम्हारी मुझे खत्म करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। नैना को अपनी रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस हुआ जब वो जमीन पर बेसुध होकर गिर गई थी, तो उसकी खून से सनी आंखें दर्द और घृणा से चौड़ी हो गई थी। इसी नफरत के साथ उसने व्योम को देखा। इसके बाद फिर अपने कुछ नौकरों पर नजर डाली, तो उसे पता चला कि उसके कुछ नौकर मर चुके थे और बाकी के गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें इस हालत में देखकर एक मातमी सा एहसास उसकी आंखों से झलक उठा था। व्योम खामोशी से उनकी तरफ चला और बोला, अगर तुम बच गई हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगी या फिर नहीं करोगी। तुम्हारे इस बदले का मेरे अंदर जरा भी डर नहीं है। व्योम को पास आते देख नैना और वहां मौजूद नौकरों की आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। उसके बाद उन नौकरों ने व्योम से भीख मांगते हुए कहा, हमें माफ कर दो यंग मास्टर, प्लीज हमारी जान बख्श दो, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। व्योम, मेरे डैड तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत करोगे तो वो इसका भी तुमसे करारा बदला लेंगे। इसके बाद व्योम ने अपना हाथ उठाया और नैनोबॉट्स को छोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही उसने उसका मुंह घुमाया, व्योम को उसके बगल में जमीन पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर घूमता हुआ दिखाई दिया, जो चारों ओर घूम रहे इरेगुलर लिक्विड गहरे कीचड़ जैसा लग रहा था। नैना और उसका जिंदा बचा नौकर डार्क लिक्विड की तरह दिखने वाले इस क्रिएचर को घूरते हुए डर से सहम गए थे। उनके दिल जोरों से धक धक करने लगे और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। इसके बाद तुरंत वो बड़े से तंबू से बाहर निकला और उनकी दिशा में गोली चलाई। उसके बाद उसने मरे हुए नौकरों के शरीर को छेद दिया और ढक दिया, और फिर वो धीरे धीरे उन्हें निकल गया, क्योंकि वो पिघल चुके थे और नैनोबॉट्स में विलीन हो गए थे। टेंटिकल जैसी काली यूनिट को उनकी ओर बढ़ते हुए और नौकरों की लाश को उनके कपड़ों के साथ निकलते हुए देखकर नैना सहित बाकी लोगों के चेहरे पर भी खामोशी छा गई थी। उसके बाद नैना और इस नौकर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो यंग मास्टर। उनकी चीखों के बीच वहां बचे हुए नौकरों की लाश तुरंत ही भस्म हो गई। नैना गिड़गिड़ाते हुए व्योम से माफी मांगते हुए बोली, व्योम प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब निखिल का काम था, उसने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी नौकरानी को उसके पास ले आऊं, मैं अब आगे से कभी भी ऐसा करने की जरूरत नहीं करूंगी। नैना एक बच्चे की तरह रोकर भीख मांग रही थी। उसकी आंखों और नाक से आंसू बह रहे थे। उसने देखा कि उसके सभी नौकर इस अनजान यूनिट से भस्म हो रहे थे, सिर्फ उसे छोड़ दिया गया था। जैसे ही उसने अपने सामने रुके तंबुओं को देखा, उनके भयानक सिर घूमने लगे, जिसे देखकर उसकी आत्मा डर के मारे लगभग कांप गई। और फिर ये देखकर कि वो उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, नैना ने राहत की सांस ली। तब उसके दिल में आक्रोश और नफरत उमड़ पड़ी। एक बार अगर मैं इस आंगन को छोड़ दूं, तो मैं अपने डैड से कहकर हर कीमत पर इसको सबक सिखा सकती हूं। व्योम बगल में खड़े होकर उसे ही देखे जा रहा था। नैना एक्सप्रेशन को देखते हुए उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने नैना से कहा, खैर, तुम जैसी लड़की को निराशा में खुशी की एक उम्मीद देना जिंदगी में सबसे बड़े मुकाम हासिल करने के बराबर है। व्योम के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान को देखते ही नैना का चेहरा बदल गया। उसके शरीर में एक ड्रिल चुभ गई और उसके हाथ और पैर धीरे धीरे गायब होने लगे। तुम एक राक्षस हो व्योम, मैं नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगी, और याद रखना, मेरे भाई और डैड तुमसे बदला लेकर रहेंगे। जिस व्योम को तुम जानती थी वो अब मर चुका है, और मुझे उसके साथ तुम्हारे परिवार को दफनाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर नैना की आंखें चौड़ी हो गई। जब उसने व्योम पर गहरी नजर डालकर देखी, तो उसके दिल पर भय सा छा गया। ये व्योम नहीं है, हे मॉन्स्टर, आखिर कौन हो तुम? नैना अभी ये कह ही रही थी कि नैनोबॉट्स ने उसके सिर पर पर्दा डाल दिया और अंधेरे से ढककर उसकी आत्मा को घेर लिया। व्योम ने महिमा की तरफ देखा और बोला, मुझे उन्हें मारने में और इन्हें मारने में कोई भी झिझक महसूस नहीं हुई। ये किसी राक्षस को मारने जैसा है जो शरीफ लोगों को परेशान करता था। यंग मास्टर, आप सही कह रहे हैं, अगर कोई इस तरह के बर्ताव पर उतर आए तो उसे जान से मारना ही सही है।
इतना कहने के बाद व्योम ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति और मार्शल ऑरा दोनों ही अनबिलीवेबल तरीके से बढ़ रही थी। उसे इस बात से हैरानी हुई और वो झट से पालथी मारकर बैठ गया। उसके शरीर में दौड़ती ऑरा और एनर्जी को महसूस करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की ऑरा आसपास से उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी। ये जो हो रहा था वो नैनोबॉट्स के तीसरे काम के एडवांटेज में से एक था, जिसका नाम था भक्षण और फिर एनर्जी कन्वर्जन। नैनोबॉट जिंदा लोगों को भी खा सकते थे और उसके सप्लीमेंट भी हो सकते थे। इतनी सारी एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्व करने पर व्योम का शरीर फैल गया और उसके शरीर पर खून की घनी पपड़ियां उभर आईं और उसके शरीर का सारा खून बाहर निकल गया, जिसके बाद उसके शरीर में नया खून बनने लगा। फिर उसके कंट्रोल में नैनोबॉट्स उसके शरीर के चारों ओर फैल गए। नैनोबॉट्स ने आसपास के अन्य सबूतों के साथ साथ बॉडी से निकले खून और स्किन की पपड़ी को भी साफ कर दिया। मैं अब 8वें लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ, क्या मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है? जिससे पूरा आंगन पहले जैसा हो गया। इतना कहकर व्योम ने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी और उसने सोच समझ कर अपनी पावर्स की जांच की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये नैनोबॉट्स मुझे इतना पावरफुल बनाएंगे जिससे मुझे 8वें लेवल में भी सक्सेस मिल जाएगी। वैसे भी मैं पहले से ही सक्सेस की कगार पर था, इन्होंने तो बस मेरी मदद की है। नैना की मार्शल स्पिरिट को निकलने के बाद व्योम को नैनोबॉट्स में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसने अपना हाथ उठाया तो उसे एक काला फोल्डिंग पंखा दिखाई दिया जो पूरी तरह से नैनोबॉट्स द्वारा बनाया गया था। इसमें वो सभी फंक्शन थे जो नैना की फोल्डिंग फैन स्पिरिट में थे। तो मेरे नैनोबॉट्स मार्शल स्पिरिट को भी खा सकते हैं? इतना कहकर उसने अपने हाथ में फोल्डिंग पंखे को देखकर उसे लहराया तो तुरंत एक छोटा सा बवंडर उसके सामने हवा के ऑरा के साथ हवा में घूम गया, जिसे देखकर व्योम बोला, मैंने इस मार्शल स्पिरिट को निकलने के बाद एयर को पावर्स हासिल की है। इसके बाद व्योम ने सभी नैनोबॉट्स को मैजिकल स्टोन के अंदर वापस ले लिया और महिमा की ओर चला गया, जो वहां शॉक्ड होकर बैठी थी और व्योम को थोड़ा डरकर देख रही थी। व्योम ने उसके पास जाकर उससे कहा, महिमा, तुमने यहां जो कुछ भी देखा ये मेरा सीक्रेट है, जिसे तुम जान चुकी हो, तुमको ये किसी को भी नहीं बताना है। व्योम की बातें सुनकर महिमा चौंक गई, फिर उसे एहसास हुआ कि व्योम किस बात का जिक्र कर रहा था। तब उसने चतुराई से सिर हिलाया और कहा, हाँ यंग मास्टर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। व्योम महिमा के करीब गया और उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देकर खड़ा किया और आंगन के अंदर ले जाने लगा। नैनोबॉट्स महिमा के लाल चेहरे और चोट लगे घुटनों पर फैल गए और उसे हील कर दिया, जिससे उसकी चोटें और घाव ठीक हो गए। उसका चेहरा और शरीर पहले की तरह नॉर्मल हो गया। यूं ही चलते चलते महिमा का कमरा आ चुका था। ठीक है, आप अपने कमरे के अंदर जा सकती हैं, साथ ही कुछ दिनों तक आंगन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसा आप ठीक समझे यंग मास्टर, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। इतना सुनकर व्योम ने अपना सिर हिलाया और अपने कमरे में लौट आया। नैना की जान लेने के बाद व्योम को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और धोखे से अगर व्योम का ये सीक्रेट सबके सामने आ गया तो क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी इस सीरीज का अगला भाग। महिमा को उसके कमरे में छोड़ने के बाद व्योम अपने कमरे में वापस आ गया। उसके दिमाग में वही सच चल रहा था जो आज हुआ, मगर उसके मन में नैना की मौत को लेकर जरा भी दुख नहीं था। व्योम अपने कमरे में वापस आया और अलमारी की तरफ बढ़कर उसने अपना हाथ उठाया तो अलमारी के ऊपर वाले शेल्फ में से एक छोटा लकड़ी का ब्लॉक उसकी नजरों के सामने आ गया, जिस पर लिखा था, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो एक हफ्ते बाद पश्चिम की चट्टान के पास 1000 टॉप स्पिरिट स्टोन्स लेकर आ जाना, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे बेटे की जान भी जा सकती है, इसीलिए तुम्हारे लिए यही सही होगा कि जो हम कहते हैं वो सब करते जाओ। और हाँ, याद रहे, कोई भी चालाकी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसका अंजाम तुम जानते ही हो। व्योम ने उस ब्लॉग पर लिखे धमकी भरे पैराग्राफ को पढ़कर सेटिस्फैक्शन के साथ राहत की सांस ली और फिर लकड़ी के उस ब्लॉक को एक नैनोबॉट मकड़ी के धड़ में रख दिया। फिर व्योम ने अपने चेहरे पर बहुत से नैनोबॉट्स लगा लिए, जिसके उसके फेस पर नैनोबॉट्स की एक लेयर बन चुकी थी। इसके बाद उसके चेहरे पर चिपके हुए और नैनोबॉट ने फोटो के पिक्सल की तरह एक नई इमेज दिखाना शुरू कर दिया और व्योम ने उन नैनोबॉट्स की मदद से अपनी शक्ल बदल ली। उसके चारों ओर कुछ ह्यूमन साइज के नैनोबॉट क्लोन भी बनकर खड़े कर लिए और फिर उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा और कबीले से बाहर निकलकर उनके साथ सिल्वर मून जंगल की ओर चल पड़ा। और फिर कुछ समय के बाद फिर से कबीले में अपने घर में लौट आया और फिर वो दुनिया पर अंधेरा छाने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी ये मुराद भी पूरी होने लगी और जल्दी ही सूरज गायब हो गया और आकाश में सितारे और कुछ चांद चमकने लगे थे। अपने आंगन में व्योम लगातार अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर रहा था। उसका शरीर फिर से कांप रहा था
अचानक ही उसे उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा ताजगी सी महसूस होने लगी। इतना फ्रेश इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा किस लिए था? इस बात का जवाब व्योम बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने खुद से कहा, फाइनली मैं मार्शल आर्टिस्ट 9th लेवल पर पहुंच गया हूं और अब अपने बनाए ड्रामे को दिखाने के लिए परफेक्ट स्टेज सेट करने का समय आ गया है। इतना कहकर व्योम ने उस लकड़ी के ब्लॉक को पॉकेट से निकाला जो उसे उस दिन अलमारी के पास मिला था। उसने लकड़ी के ब्लॉक वाली मकड़ी को गार्ड्स की ओर जाने का ऑर्डर दिया और उसने उस मकड़ी से कहा कि कबीले के बाहर जाकर गार्ड्स के चेहरों पर ब्लॉक शूट करे और फिर वापस व्योम के पास लौट आए। ये नैनोबॉट्स की एक और क्वालिटी थी जो उसने खोजी थी। व्योम नैनोबॉट्स से अपनी कमांड मनवा सकता था, हालांकि वो नैनोबॉट्स को सिर्फ कुछ मीटर के दायरे में एक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वो उन्हें बड़ी दूर तक जाने का ऑर्डर देकर भी इनएक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकता था। वो नैनोबॉट्स व्योम के ऑर्डर्स को सुनकर उन्हें पूरा करके उसके पास लौट आते थे और रोबोट अपने मालिक की बात मानता है वैसे ही काम करते थे। यह फीचर थोड़ा जोखिम भरा था, इसीलिए व्योम ने इसे तभी इस्तेमाल करने का फैसला किया जब वो अपनी प्लानिंग को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड था। कुछ देर बाद नैनोबॉट मकड़ी व्योम के ऑर्डर को पूरा करके उसके पास वापस लौट आई। तुमने उसे मकड़ी को देखा और कहा, हालांकि कबीले में हर जगह पर नजर रखने वाले बहुत से स्पेशलिस्ट हैं जो पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑरा पर आधारित होता है और मेरे नैनोबोट्स निर्जीव वस्तुएं हैं, कोई भी उन्हें ऑरा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पकड़ सकता है। मकड़ी के वापस आने के बाद जब वो अपने कमरे में चला गया तो कुछ बड़बड़ाते हुए उसके बेड पर बैठा था। अब वो मेडिटेशन का आदी हो चुका था। इतनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ते देखना उसे बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा था। इसके बाद व्योम को उसकी पावर्स के साथ खेलने की लत ही लग गई थी। वो दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से अपनी पावर्स को इंक्रीज करना चाहता था। यूं ही बैठे बैठे वो अभी तक जो भी उसने पार किया था उन सारे लेवल्स के बारे में सोचने लगा। पहले दिन मैंने एक साथ 4 लेवल पार किए और मैं 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया। दूसरे दिन मैंने एक साथ 2 लेवल पार किए और मैं 8th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया। अब तीसरा दिन बीत चुका है और मैं 9th लेवल पर पहुंच चुका हूं। कल शायद मैं 10th लेवल पर पहुंच जाऊंगा। हालांकि मैंने लगातार टॉप स्प्रिट पिल्स खाई हैं। ये रिसोर्स भी एक तरह की ताकत ही है। मुझे अपनी अचीवमेंट के लिए खुश होना चाहिए और इस बात पर खुद पर गुरूर करना चाहिए कि जो मैंने करके दिखाया है वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। शायद इस स्प्रिट के कॉन्टिनेंट पर मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड इंसान कोई हो भी सकता है। व्योम की उसकी ताकत पर धीरे धीरे घमंड होने लगा था और वो इसी तरह अपने आप को दाद देकर खुद की तारीफ करते हुए सो गया। अगली सुबह पूरे कबीले में हड़कंप मच गया क्योंकि ये खबर फैल गई कि 5वें बुजुर्ग की बेटी नैना का अपहरण हो गया है, जिसके चलते 5वें बुजुर्ग ने गुस्से में मुख्य परिवार की बैठक बुलाई। सभी एल्डर्स कबीले के सरदार के साथ सिंसियरली मुख्य कबीले के हॉल में बैठे थे। सभी लोगों को एक साथ देखकर कबीले के सरदार जतिन ने इस बुद्धि का हल निकालने की सोची और सबसे पूछा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि कल रात नैना कहाँ थी? क्योंकि अगर हम शुरुआत से उसे ढूंढने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ पाए। मैंने गार्ड से पूछा था, उन्होंने मुझसे कहा कि वो कल दोपहर कुछ नौकरों के साथ गई थी और वापस नहीं आई। मुझे जैसे इस बात का पता चला मैंने बाहर जांच के लिए गार्ड्स भेज दिए हैं। सभी बुजुर्ग और कबीले का सरदार जतिन सोच में पड़ गए कि आखिर इस तरह अचानक नैना कहां जा सकती है, क्योंकि अगर उसे कबीले के बाहर जाना होता तो वो सारे कबीले में से किसी न किसी एक से तो इस बारे में डिस्कस करके ही जाती। अगर वो बिना बताए गई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइम तो हुआ है। वहां बैठे हुआ एक और एल्डर जिनका नाम शास्त्री था वो इन सब की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। इसके बाद उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस हॉल में बैठे सभी लोगों से कहा, हो ना हो ये जरूर कोबरा कबीले के लोगों का काम है। अब वो हम लॉयन कबीले वालों से हमेशा से ही जलते आ रहे हैं। हमें एक बार उनसे इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए और हमें उनसे सफाई मांगनी चाहिए जिससे हमें ये पता चल सकता है कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। तुम नैना के डैड हो इसीलिए मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी मत करो शास्त्री। हो सकता है कि हमारे ऐसे इल्जाम लगाने पर वो इनकार कर दें और उल्टा उनकी इज्जत उछालने की जरूरत में हमसे लड़ने लग जाएं। अगर थोड़े बहुत भी दंगे भड़कते हैं तो इससे हमारा तो नुकसान होगा ही, पर तुम्हारी बेटी भी खतरे में पड़ सकती है। जतिन किस तरह समझाने के बाद 5वां बुजुर्ग शास्त्री चुप हो गया। वो महसूस कर रहा था कि हो सकता है वो इमोशनल होकर जल्दबाजी में कुछ गलती कर जाए, इसीलिए मुझे कबीले के सरदार की बात माननी चाहिए क्योंकि कबीले का सरदार सही हो सकता है। अगर कोबरा कबीला इसके पीछे है और उन्हें लगा कि सिचुएशन उनके हाथ से बाहर है तो वो उसके बेटे को मार भी सकते हैं। मेरी बात मानो शास्त्री, तो उनकी बात मान लो,
और उन्हें फिरौती दे दो, क्योंकि इसमें तुम्हारी बेटी के सही सलामत अपने घर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि छोटी सी रकम के चलते तुम अपनी इकलौती बेटी को खो दो। वहां बैठे बुजुर्ग जतिन की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उनके मन में बहुत कुछ कहने की इच्छा थी, लेकिन कबीले के मालिक ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया। उसके बाद वो जतिन की बात मानकर खामोश हो गए और फिर वहां बैठे सभी लोगों के सामने जतिन ने अपनी बात रखते हुए कहा, पहले मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फिरौती दो, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम फिरौती देने का नाटक करो, जिसे मैं और इस कबीले के ग्रेट एल्डर्स उनकी बताई गई लोकेशन पर पहले से ही घात लगा कर बैठेंगे, और जब तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी तब हम किडनैपर को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाए। कबीले के मालिक जतिन ने सारी तैयारियां कर ली थी। उसने शुरू से लेकर आखिर तक उन किडनैपर से निपटने के लिए सारा प्लान बना लिया था। जतिन ने अपना प्लान उन सभी को समझाया। जतिन की बात सुनकर वहां बैठे सभी बुजुर्गों ने हां में सिर हिलाया। कबीले का सरदार अमर रहे, कबीले का सरदार बुद्धिमान है, सरदार हमें मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सब बातें सुनकर वो पांचवा बुजुर्ग जो नैना का डैड था सोच में डूब गया। फिर उसने गंभीरता से सिर हिलाया, मुट्ठी बांधी और कहा, अगर उन लोगों ने हत्या के इरादे से मेरी बेटी का किडनैप किया होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं। अगर मुझे पता चला कि कोबरा कबीले वालों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उनके कबीले में घुसकर उन सबको मार डालूंगा, और तो और उनके घरों को भी जला दूंगा। उन्होंने मेरी बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? थोड़ा ही वक्त हुआ था पर जल्दी ही नैना के किडनैप होने की खबर लाइन कबीले में आग की तरह फैल चुकी थी। चौथे आंगन में बैठा निखिल हैरान और सोच में डूबा हुआ था। इसी बीच व्योम अपने कमरे में बैठा जोर से हंस रहा था, और यूं ही हंसते हुए व्योम खुद से कह रहा था, निगरानी के बिना दुनिया में ऐसा कौन सा क्राइम हो जाएगा जो निगरानी के साथ नहीं हो पा रहा है? क्या तुम इन बेवकूफों से उम्मीद करते हो कि वो अपराधी को पकड़ेंगे? वो बेचारी नैना इससे क्या ही उम्मीद लगाकर रख सकती? ये लोग कभी सोच भी नहीं पाएंगे और मैं पूरे कबीले को गुमराह कर दूंगा। खैर, वैसे भी मुझे उम्मीद है कि वो कोबरा कबीले से जाकर लड़ेगा, और वो लोग जब इस लड़ाई में बिजी रहेंगे तो मैं सिचुएशन का फायदा उठाकर कबीले में मौजूद बाकी के बेकार फालतू कचरे जैसे लोगों को हटा दूंगा। ये कहते हुए व्योम के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान दिखाई दी। अपने नैनोबोट से नैना और उसके नौकर को खत्म करने के बाद व्योम ने नैनोबोट्स को उनकी नकल करने को कह दिया, और फिर वो दोपहर में कबीले के बाहर चला गया। व्योम ने उन नैनोबोट को सिल्वर मून जंगल के पास वापस एब्जॉर्ब करके खुद में समा लिया। अगर लाइन कबीला ठीक से जांच करता तो वो सिल्वर मून जंगल के पास नैना से जुड़ा निशान पाने में कामयाब हो जाते। नैना को ढूंढने की मशक्कत के बीच असलियत जानने वाला व्योम काफी ज्यादा चिल था। वो फिलहाल अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए एक बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बनने की फिराक में था। 9th लेवल तक पहुंचने की बात उसे काफी ज्यादा सुकून दे रही थी, और अपने इसी सुकून भरे लहजे में व्योम ने खुद से कहा, खैर मैंने 10th लेवल को तोड़ने की उम्मीद की थी लेकिन नहीं कर सका। लगता है इस लेवल को तोड़ना पिछले लेवलों की तुलना में थोड़ा कठिन है, इसलिए बहुत से टैलेंटेड लोग भी इस लेवल को कभी कभी छोड़ देते हैं और सिर्फ 9th लेवल तक ही अपनी स्पिरिट को और शक्तियों को जगाते हैं। पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं उन लाखों लोगों से तो हटके निकलूं जो सिर्फ 9th लेवल पर आकर रुक गए थे। मुझे किसी भी तरह 10th लेवल को पार करके एक इमोर्टल मार्शल बनना है। व्योम ने इस तरह अपनी शक्तियों के इवॉल्व होने के ख्याली पुलाव को पकाते हुए बड़बड़ाया जा रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक टॉप ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पिल खाने के बाद मेडिटेशन शुरू कर दी। जल्दी ही पूरे आंगन की स्वर्ग और पृथ्वी की ओरा उसके कमरे की ओर आकर्षित हो गई, और वो सारी की सारी ओरा उसके कमरे में जाने का वेट कर रही थी। धीरे धीरे यूं ही मेडिटेशन करते हुए समय बीतता गया। व्योम लगातार डेडिकेशन के साथ इस मेडिटेशन की प्रोसेस को अंजाम दे रहा था, और वो कहते हैं ना, किसी काम को शिद्दत से करो तो वो कभी ना कभी पूरा हो ही जाता है। बस ऐसा ही कुछ व्योम के साथ भी हुआ। अगली सुबह व्योम का शरीर बुरी तरह से कांप उठा। अपनी बॉडी से एनर्जी जाता देख व्योम बिल्कुल बेसुध हो गया था, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत के चलते मैंने 10th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा हासिल कर लिया है। 10th लेवल को क्रैक करने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव एक साथ देखने लगा। उसकी आई साइट में सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ हो गया, यहाँ तक कि धूल के कण भी। सब कुछ के माध्यम में बहने वाली ऑरा उसकी आंखों में नग्न हो गई, जैसे कि पूरी दुनिया ने अपना पर्दा हटा लिया और सब कुछ उसके सामने खोल कर रख दिया। अब व्योम अपनी आंखें बंद किए बिना 10 मीटर के भीतर सब कुछ महसूस कर सकता था। वो देख नहीं सकता था, लेकिन इस दूरी के भीतर किसी भी आवाज के माध्यम से मच्छर के पंखों की फड़फड़ाहट भी महसूस कर सकता था।
ऐसा लगता था कि उसकी इंद्रियां इतनी दूरी तक पहचान सकती थी। व्योम को यह सब इतनी आसानी से मिल गया कि उसका गुरूर साथ में आसमान पर पहुंच गया। ऐसे ही गुरूर की आग में जलते हुए व्योम ने कहा, तो ये है 10वां लेवल। इसे पाने के लिए दूसरे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर मुझे इसे पाने में सिर्फ एक एक्स्ट्रा रात लगी और कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है इन सब मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा बेहतर हूं मैं, इसलिए सारी स्प्रिट मिलकर मुझे वो सब दे रही हैं जो ये मुझे दे सकती हैं। इतना कहने के बाद व्योम ने आश्चर्य से बड़बड़ाते हुए अपनी मुट्ठी भींची। उसे अपनी ताकत और शरीर में मौजूद ऑरा में काफी ज्यादा बढ़त महसूस हुई। उसके मेरिडियंस लगभग लिक्विड फॉर्म में स्वर्ग और पृथ्वी की ऑरा से भर गए थे, जैसे उसके अंदर एक महासागर हो। अपनी इस ऑरा को देखते हुए व्योम बोला, मैंने सुना है कि स्पेशलिस्ट अपने होश और कंसंट्रेशन को कुछ दर्जन मीटर तक फैला सकते हैं। कुछ टैलेंटेड लोग इसे 50 मीटर से अधिक दूरी तक बढ़ा सकते हैं, और इस दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी का ऑरा उपयोग करके हम अपने हमलों को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि मुझे इस दुनिया में टैलेंट का स्केल नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी रेंज 50 मीटर से अधिक जरूर फैलेगी। खैर, अभी 6 दिन बाकी हैं। मुझे इनॉट ट्रिलैम तक पहुंचना है। ये सब व्योम के कमरे में गिरती धूप की किरणों को देखते हुए कहा। इस बीच आंगन के दूसरे कमरे में महिमा बेड पर खामोशी से चुपचाप सो रही थी, जबकि आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की ऑरा उसके शरीर में अनजाने में और छुपकर प्रवेश कर रही थी। अगर व्योम इस दृश्य को देखता तो वह बेहद चौंक जाता। महिमा ने एक यूजलेस तितली मार्शल स्पिरिट को जगाया था। वो पिछले 2 सालों में ना तो किसी स्पेशल मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर पाई थी और ना ही ऑरा को अपने कमरे के बाहर महिमा के कमरे की ओर देखते हुए अंदर के शांत वातावरण को महसूस कर रहा था। लगता है वो सो रही है। इतनी खामोशी से इसे देखना और इसकी चलती हुई सांसों को महसूस करना, मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा खुशनुमा साबित हो सकता है। व्योम ने महिमा को देखते हुए कहा। फिर उसे याद आया कि आज उसे अपनी बनाई हुई पिल्स को बेचने ऑक्शन शॉप पर जाना था, तो वो अकेले ही कबीले से बाहर त्रिपाठी फैमिली की उस ऑक्शन शॉप की ओर चल पड़ा। यही वो ऑक्शन शॉप थी जहाँ से व्योम ने इन पिल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदे थे। वहां जाते जाते वो कबीले के गार्ड्स को बाजार के पूरे एरिया में घूमते हुए देख रहा था। वो सभी गार्ड्स नैना के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उन्हें देखकर व्योम ने मन ही मन सोचा, लगता है कबीले ने खोज शुरू कर दी है, पर कितना भी खोज लें उन्हें नैना का नामो निशान तक नहीं मिलने वाला है। चेहरे पर एक दुष्ट आदमी की तरह मुस्कान लाकर वो नैना और गार्ड्स का मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद वो धीरे धीरे ऑक्शन शॉप घर की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर त्रिपाठी ऑक्शन शॉप के अंदर व्योम ने 2 बोतलें दी जिसमें मीडियम और हाई ग्रेड गैदरिंग पिल्स थी। हर एक बोतल में 10 पिल्स थी। मैं इन पिल्स को बेचना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? आप प्लीज प्राइवेट एरिया में कुछ देर इंतजार करें, हमारे अप्रेजर को इन पिल्स को एग्जामिन करने दें यंग मास्टर व्योम, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कि आप इन्हें बेच सकते हैं या नहीं। स्टाफ लेडी ने विनम्रता से कहा, फिर अप्रेजर को बुलाने के लिए एक स्टाफ रूम में चली गई। व्योम ने स्टाफ लेडी की बात मानी और चारों तरफ ख्यालों में गुम इधर उधर देखते हुए प्राइवेट एरिया में जाकर बैठ गया। व्योम जिस दुनिया में रहता था वहाँ का कारोबार और बिजनेस अलग था। कोई भी पिल्स बेच सकता था सिवाय लो ग्रेड पिल्स के। पिल्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें थी, खासकर गैदरिंग और स्प्रिट कंडेंसिंग पिल्स। ये दोनों पिल्स 10वें ऑर्डर तक रिफाइन की जा सकती थी। यंग मास्टर गौरव, देरी के लिए माफ करें, मैं इस ब्रांच का अप्रेजर गौरव हूँ। एक बूढ़े दिखने वाले अप्रेजर व्योम के सामने आकर खड़े हुए और माफी मांगते हुए फिर अपना परिचय दिया। क्या उसे ऑपरेटर को उन गोलियों